बंदे मातरम मेरे भाई, मैं उदय वर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मालविया क्लासेज में। आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, आप लोग बताते जाइए। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद मेरे भाई, सभी को जय हिंद। सब लोग बता दीजिए आप कैसे हो आप लोग। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है, जो कि आपका डिमांड था ज़्यादातर कि आपको क्लास आइडेंटिफिकेशन के वाले, ठीक है भाई। तो आज हम लोग क्लास आइडेंटिफिकेशन को, कुछ फिलर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ एंटोनिम्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो एकदम आप लोगों को घबराने की जरूरत बिल्कुल है नहीं। आप लोग जो क्लास 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 जो आपके अंदर क्लास का जो फीवर चढ़ा हुआ है ना, आज मैं एकदम पूरा उतार दूंगा, ठीक है, आज मैं उतार दूंगा एकदम। तो आप लोग बिल्कुल, आपको घबराने की बात नहीं है, आज के बाद से आपको क्लास का जो डर है एकदम हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए तो सबसे पहले हम लोग शुरू स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फिलर के क्वेश्चन से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, सब लोग बताते जाइए, सब लोग बताते जाइए जल्दी से, आपको क्या लग रहा है कि ऑप्शन क्या हो सकता है इसमें। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मूवी मेकर्स, जो मूवी बनाने वाले होते हैं, ठीक है भाई, मूवी मेकर्स जनरली हिस्टोरिकल फैक्ट्स टू राइट देयर स्टोरी। वो जो मूवी मेकर्स होते हैं वो सामान्यतया क्या करते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट को क्या करते हैं, वो राइट करते हैं किसके लिए, अपनी स्टोरी के लिए। वो क्या करते हैं, तो पहला एक्सप्लेन करते हैं, दूसरा ऑप्शन है आपके पास करेक्ट करते हैं, तीसरा ऑप्शन है अकाउंट करते हैं, या चौथा ऑप्शन है अडॉप्ट। आप बता दीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने बेहतरीन तरीके से आपको नजर आ रहा होगा। अब जो भी ऑप्शन आपको नजर आए जल्दी जल्दी से मेरे भाइयों बता दे जाइए। सब लोग बताओ जल्दी जल्दी, सब लोग बताओ जल्दी जल्दी, अब आप लोग बताओ भाई जल्दी जल्दी से, आपको जो भी ऑप्शन नजर आए सब लोग बताओ भाई जल्दी जल्दी से। सब जय श्री राम भाई, जय श्री राम, सभी गुड इवनिंग, बस बताते जाओ बताते जाओ। सभी लोगों का आंसर रुकना नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं, जो मूवी मेकर्स होते हैं वो सामान्यतया क्या करते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट को क्या करते हैं, वो एक्सप्लेन तो करेंगे नहीं, एक्सप्लेन करने कोई मतलब नहीं है, करेक्ट करने कोई क्या मतलब है, अकाउंट का क्या मतलब भाई, अकाउंट मतलब आप यहाँ कैसे जोड़ पाओगे, अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, उसको वहां से ग्रहण करते हैं, उठाते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट को जो कि क्या करते हैं वहां से स्टोरी बना दे। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, एक क्या होता है आपका अडॉप्ट, ठीक है, ये क्या हो जाता है एडाप्ट होता है, और एक आपको ध्यान रखना है क्या एडेप्टर होता है, एडेप्टर मतलब क्या होता है, स्किलफुल, आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है भाई। क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सब लोग आपको ध्यान रखना भाई, बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, सेकंड नंबर, द प्रेजेंट डैश ऑफ द रेन एज इट फेल ऑन द डस्ट मेड मी फील नॉस्टैल्जिक। आप बताइए भाई, आप लोग बता दो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ये आप लोग को याद भी होगा, ये आपको बचपन में, अगर आपको अभी भी आप लोग अगर इसको रियलाइज करना चाहो इस चीजों को, तो आप बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप पहचान सकते हो। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि जो प्लीजेंट, जो पॉजिटिव, प्लीजेंट का मतलब पॉजिटिव टोन में आएगा। अब प्लीजेंट, अब यहां से जो भी टोन आएगा यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपका पॉजिटिव टोन ही आएगा। तो आप बताइए कौन सा आपको ऑप्शन है, इंसेंस, इंसेंस जो आपको पता है, जो इंसेंस आपको स्टिक होती है, मतलब अगरबत्ती के सेंस में जब यूज करते हैं, ठीक है। बाम, सबको पता है बाम क्या होता है, एरोमा, एरोमा मतलब सुगंध, खुशबू, परफ्यूम, वो भी वही चीज है। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, उसकी खुशबू, जब बारिश होती है, जो बारिश होती है तो उसकी खुशबू जब यह डस्ट पे पड़ती है, जब जानते हो ना, जब वो धूल बनी रहती है, धूल रहती है, बहुत दिन से बारिश नहीं हुई होती है, और अचानक से जब बारिश होती है तो उसकी सुगंध कितनी अच्छी लगती है, कितना मनोरम लगती है, कितना खूबसूरत लगती है, मजा ही आ जाता है। अगर आपको फील किए हो तो आप लोग बता सकते हो कि मजा ही आ जाता है, क्या क्या मैं सही बोल रहा हूँ, आप लोग फील किए हो कि नहीं फील किए हो, बताते भाई, है ना। यही क्वेश्चन आपका, यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एरोमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, बेंगलुरु इज अ ब्यूटीफुल सिटी, बेंगलुरु जो है एक ब्यूटीफुल सिटी है, विच, जो कि द मॉडर्न विद द ट्रेडिशनल, वो क्या है, वो ब्रेक्स है, तोड़ता है, विलेंड है, जो मिश्रित है, ग्रोज मतलब बढ़ना होता है, या शेयर मतलब हिस्सादारी आपको क्या करना, साझा करना होता है। आप बता दो भाई जल्दी जल्दी से, आपको जो भी बताओ, आप जो भी ऑप्शन आपको नजर आए सबको बताना है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। छवि पांडे जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद, जल्दी जल्दी बताते जाओ भाई, सब लोग बताओ, सभी को बताना है, बहुत बेहतरीन आसान सा क्वेश्चन है, सब लोग बता दो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो जो बेंगलोर है वो क्या है, ब्यूटीफुल सिटी है, जो कि किससे, जो कि क्या है, जो कि ब्लेंड है, ब्लेंड है मतलब किसका किसका, वो मॉडर्न का भी है और जो ट्रेडिशनल, जो परंपरागत रूप से जो चीजें हैं वो सब आपसे उसमें है, तो ब्लेंड हो जाएगा। ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ना के सेंस में भाई, बढ़ना के
बढ़ना कहां पे आएगा, कहां पे संसार आया ऐसा जो आप बोल रहे हो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी कैसे बोल सकते हो आप? क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया सभी को, ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा मेरे भाई, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने है, द कमेटी सजेशन वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू एवरीवन एज इट वाज। अब बताओ कमेटी का जो सजेशन था, जो सजेशन था वह एक्सेप्टेबल नहीं था, वो एक्सेप्ट करने योग्य नहीं था, क्योंकि एवरीवन, क्योंकि प्रत्येक लोग जो प्रत्येक एवरीवन एज इट वाज, ठीक है, क्योंकि यह, क्योंकि यह क्या था, कंसिडरेट, कंट्रोवर्सियल, कंक्रीट या कॉन्वीनियंट। आप बताओ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, क्यों नहीं एक्सेप्ट करने योग्य था, क्यों नहीं एक्सेप्ट करने योग्य था, आप लोग बताओ भाई, आप लोग बताओ क्यों नहीं ये एक्सेप्ट करने योग्य था, तो आप बताओ भाई जल्दी से, सब लोग बताओ भाई। आकाश शर्मा बहुत बेहतरीन, ऑप्शन नंबर क्या, अरे भाई एक्सेप्ट करने योग्य इसलिए नहीं था, क्यों, क्योंकि वो कंट्रोवर्सियल था। कन्वीनियंट मतलब क्या होता है, वो सुगम में है, आरामदायक, कन्वीनियंट है। क्या क्या कर रहे हो वीर, सिमरन कहां, क्या कर रही हो आप, मनीष ऑप्शन नंबर भी होगा, बहुत सही मेरे भाई, शुरू आपका भी गलत है, शुरू ऑप्शन नंबर डी आपने क्यों बोला, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, अगर कमेटी के सजेशन को एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट करने योग्य नहीं है, इसका मतलब क्या रहा होगा, वो विवादास्पद रहा होगा, कंट्रोवर्सियल रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बताओ ना, क्लियर हो गया ना, तो कंट्रोवर्सियल होना चाहिए, क्लियर, गलती नहीं होनी चाहिए भाई आपसे, ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि ये छोटे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है और बार बार आएंगे आपसे इसे। वंसई गार्डनिंग वाज फर्स्ट प्रैक्टिस्ड इन चाइना, जो वंसई गार्डनिंग है वो पहली बार प्रैक्टिस किया गया था कहां पे, चाइना में। बट बीकेम अब वहां पर फिलर का आपको सिंबल बना होना चाहिए था, लेकिन बट बीकेम यहां पर आपको फिल करना है बिकॉज ऑफ द जैपनीज। जो आपका जो वंसई गार्डनिंग है वो पहली बार तो प्रैक्टिस हुआ आपका चाइना में, लेकिन वह बीकेम क्या, फ्रीक्वेंट हुआ, प्रिवेलिंग हुआ, या पॉपुलर हुआ, या कस्टमरी हुआ, आप बताओ क्या हो जाएगा। और बीकेम बिकॉज ऑफ द जैपनीज, और जैपनीज के कारण ये फ्रीक्वेंट हुआ, या पॉपुलर हुआ, या प्रिवेलिंग हुआ, या कस्टमरी होगा। अरे कोई बात नहीं वीर, अच्छी हो जाएगी आपकी भी इंग्लिश, अच्छी हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत सही, जो आपका ऑप्शन सी जो बता रहे हैं लगभग सभी का आंसर सही है, जो कि एकदम आप लोग क्या हो, एकदम सभी का आंसर सही है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, क्योंकि पहली बार जो गार्डनिंग का जो प्रैक्टिस हुआ वो आपका चाइना में हुआ, लेकिन जो पॉपुलर हुआ, जो पॉपुलर हुआ वो किसकी वजह से हुआ, वो जापानीज की वजह से हुआ, जापानियों की वजह से हुआ, ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, द कार क्लीनर एक्सप्रेस्ड हिज इन एबिलिटी टू कंटिन्यू क्लीनिंग माई कार फ्रॉम 1 जुलाई ड्यू टू हिज। अब बताओ भाई, तो इसका कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या बोलना चाह रहा है, इसको अगर हम जरा ध्यान समझने का प्रयास करें, क्या भाई क्या, ये बताओ, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने है, ये बोलना चाह रहा है कि जो कार को साफ करने वाले ने एक्सप्रेस किया, क्या एक्सप्रेस किया, कि वह योग्य नहीं है अपने अयोग्यता को, एबिलिटी मतलब योग्यता है, और इनेबिलिटी मतलब निगेटिव चीज आ गई, तो एबिलिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, इनेबिलिटी, तो उसने एक्सप्रेस किया अपने इनेबिलिटी को, और क्या बोला कि वह कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, मतलब इनेबिलिटी को दिखाया कंटिन्यू करने के लिए, वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, किसकी, माई कार को, कब से, 1 जुलाई से, अब ड्यू टू किसके कारण, उसके इल फीलिंग के कारण, इल हेल्थ के कारण, या डिजीज के कारण, या डिसऑर्डर के कारण, सब लोग बता दो, और सब लोग बता भी ले जाओगे, जल्दी जल्दी बताओ भाई, सब लोग बताओ जल्दी जल्दी से, सब लोग बताओ भाई जल्दी जल्दी से, सब लोग को आप, आपको पता भी है ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सही, बहुत बेहतरीन, इल हेल्थ के कारण वह क्या नहीं करेगा, अब आगे कंटिन्यू क्लीनिंग आपका नहीं कर पाएगा, वह ऐसा करने में अब एबिलिटी उसके पास है नहीं, क्योंकि वह क्या हो चुका है, क्योंकि उसकी तबीयत हो चुकी है भाई, खराब हो चुकी है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना है भाई, वो ध्यान रखना है, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट है, वो क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्काई इज क्वाइट ओवरकास्ट, जो स्काई है वहां पर तो बिल्कुल क्या है, ओवरकास्ट है वहां पे, वी आर, ठीक है, तो मतलब बादल घिरे हुए हैं ऐसा लग रहा है, तो बिल्कुल, तो वी आर, तो ऐसा हम क्या करते हैं कि टू हैव रेन टुडे, की बारिश होगी, ठीक है भाई, कि बारिश होने के सेंस में आप लोग बताइए वो क्या होगी,
बताओ भाई, ऑप्शन आप आपके सामने है। ये आपको मैं बता भी चुका हूं पहले, ये कॉन्सेप्ट लाइकली होगा, मोस्टली होगा, श्योरली होगा और या प्रोबेबली होगा। जल्दी जल्दी बता दो भाई, जल्दी जल्दी सब लोग बता दो। बहुत सही भाई, बहुत सही। क्या हो जाएगा? श्योरली। मनु, मधु, जाट, आकाश, ऑप्शन नंबर ए होगा। राम, राज, राज ग्रेट, ऑप्शन नंबर डी होगा। मधु यादव, ऑप्शन नंबर सी होगा। वीर, ऑप्शन नंबर सी होगा। एमएल पंडित, ऑप्शन नंबर बी होगा। शिवांश पटेल, ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत सही भाई, सब लोग बताओ। बहुत सही, बहुत बेहतरीन। आर्या चौधरी, ऑप्शन नंबर सी होगा। छवि पांडे, ऑप्शन नंबर सी होगा। सुधांशु मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए भाई, इट मे रेन टूडे, भूल गए? इट मे रेन टूडे। और मे को हटाते थे आप, क्या यूज करते थे? इज या एम या आर लाइकली टू। इतना मारेंगे आप सबको यही बुला बुला के कि क्या बताएं आपको। ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकता, यही कॉ फेंक के मार दूं आपको। भूल गए? बताओ, जो प्रोबेबली है, प्रोबेबली आपका क्या बताता है? शायद, शायद। और जो आपका लाइकली है, संभवता, संभावना को दिखाता है। क्या? संभावना को दिखाता है। क्लियर हुआ? अब बताओ, मार खाना है, मार खाना है, बताइए। तो यहां पर क्या बोलोगे? अब मे का पास्ट जो होता है वो आपका क्या होता है भाई? माइट। माइट को जब आप रिप्लेस करोगे तो आप क्या लिखोगे? वाज, वर, इसके बाद में क्या? लाइकली। क्या लिखोगे? लाइकली। तो इसी वजह बोलते थे आपको, अगर आपको याद आ गया होगा, तो मे के साथ में लाइकली का यूज नहीं करते हैं और माइट के साथ में भी लाइकली का यूज नहीं किया जाता। तो करेक्ट आंसर का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब सभी को क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, एक बार आप लोग बता दीजिए। क्या एकदम क्लियर हो गया सभी को? एक बार बता दो भाई, सब लोग बता दो जल्दी जल्दी से। और अभी तो क्लॉज जब आप सीखोगे तो मजा ही मजा आएगा। अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। द बिजनेस प्रोस्पेक्ट सीम्ड क्वाइट, ठीक है, जो बिजनेस की प्रोस्पेक्टेशन जो है वो सीम करती है, प्रतीत होती है क्वाइट। वो क्वाइट क्या आपकी, आप बताइए भाई, क्वाइट आपका क्या? वो ल्यूक्रेटिव है, वो आपका क्या है? ल्यूक्रेटिव है या डबियस है या फ्लोरिसिंग है या प्रॉस्पेरस है, बताओ भाई, आपको बताइए। तो जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट सीम्ड क्वाइट, क्या? सो आई कन्विंस माई फ्रेंड। तो अपने क्या कर लिया? कन्विंस कर लिया अपने फ्रेंड को। क्या करने के लिए? पार्टनर विथ मी। क्या करने के लिए? पार्टनर बनने के लिए, टू स्टार्ट द वेंचर, इस वेंचर को स्टार्ट करने के लिए। तो आप बता दीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग क्या बताइए? जो आपका ल्यूक्रेटिव वर्ड है, बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन वर्ड है, बहुत ही जो लाजवाब और बेहतरीन वर्ड है, जो लाभप्रद के सेंस में आता है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। क्या? ल्यूक्रेटिव। क्या है? ल्यूक्रेटिव। आपको ये ध्यान रखना है, ये वर्ड आपको एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, सब होगी क्लास, मैथ रीजनिंग की भी क्लास मिलेगी आपको, सब लोग बताओ भाई। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही, क्योंकि लाभप्रद बिजनेस है, इसका फ्यूचर जो है, प्रोस्पेक्टेशन जो है, इसका प्रतीत होता है, एकदम वहां पे लाभ ही लाभ होगा। इस वजह से मैंने क्या कर लिया? मैंने कन्विंस कर लिया अपने फ्रेंड को, पार्टनर बन जाए मेरे साथ में, और ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सके इस वेंचर को। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जो प्रॉस्पेरस होता है, समृद्धशाली होता है। प्रॉस्पेरस क्या होता है? समृद्धशाली होता है। क्लियर हो गया भाई? तो क्या हो जाएगा? ये जो बिजनेस है वो बहुत ही लाभप्रद है, इसमें लाभ होगा। इस वजह से मैंने क्या कर लिया? मैंने कन्विंस कर लिया अपने किसको? फ्रेंड को, कि वो पार्टनर बन जाए और हम लोग क्या करें? वेंचर को स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो गया भाई सभी को? चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास? 9 है। द कंपनी गेव इन टू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयज एज इट फंड देम, इट फाउंड देम। जो कंपनी है गेव इन कर गई टू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉय की डिमांड के आगे। गेव इन का मतलब होता है समर्पण करना। क्या होता है? गेव इन का मतलब समर्पण करना होता है। सब लोग लिख लेंगे भाई, ठीक है। और किसके डिमांड ऑफ द एम्प्लॉय, जो कि एम्प्लॉय की डिमांड के आगे क्या कर दिया कंपनी ने? एज इट फाउंड देम। और क्या पाया? फाउंड देम इलीगल पाया, इरेशनल पाया, लेजिटिमेट पाया या फॉर्मिडेबल पाया। ये फॉर्मिडेबल वर्ड बहुत बेहतरीन वर्ड है, आप लोग ध्यान रखिएगा भाई। हाँ बोलो भाई, क्या रिप्लाई देना है बताइए, मैं सब रिप्लाई दूंगा। बताओ भाई जल्दी से। क्या होगा बताओ भाई? हाँ बताओ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? अरे इलीगल कैसे होगा? इलीगल कैसे होगा? अगर इलीगल होता तो कंपनी कैसे अपने आप को गैबिन कर देती? ये भी तो सोचिए, कोई चीज वैध होगा, कोई चीज वैध होगा तब होगा भाई। कहां उल्टा आप लोग बोल रहे हो,
कंपनी ऐसे कैसे सरेंडर हो जाए, आप गलत चीजों के लिए आप करोगे, गलत चीजों की डिमांड करोगे तो कोई भी कंपनी वाला सरेंडर कैसे कर जाएगा भाई, अगर आप गलत ही हो, गलत हो अगर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर जो बेहतरीन वर्ड है इसका, फॉर्मिडेबल जो सेंस में आता है वो भयंकर के सेंस में आता है, इसको आप लोग ध्यान रखना। वो भयंकर के जो मीनिंग में आपका आता है वो क्या आता है भाई, वो आपका आता है फॉर्मिडेबल होता है, क्या होता है फॉर्मिडेबल होता है। इरेशनल, ठीक है, इरेशनल जो होता है वो आपका क्या होता है, रेशनल जो है तार्किक होता है, इरेशनल आपका अतार्किक होता है। इलीगल मतलब क्या होता है, अवैध होता है। इलीगल आपका क्या होता है भाई, अवैध होता है, और जो वैध होता है वो कौन होता है, लेजिटिमेट होता है, क्या होता है लेजिटिमेट होता है। जल्द ही आएगा हितेश, जल्द ही एडमिट कार्ड भी आपके आने शुरू हो जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। आप बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज स्ट्रिक्टली डैश बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन द कंपनी इन द नियर फ्यूचर। यह एकदम स्ट्रिक्टली मतलब स्ट्रिक्ट मतलब कठिन तौर पर, मतलब एकदम स्ट्रिक्टली है कोई चीज जो मतलब अनुशासित तरीके से, ठीक है, बट सम चेंजेज लेकिन कुछ परिवर्तन आर गोइंग टू हैपन जो होने जा रहे हैं, कहां में, चेंज कंपनी में होने जा रहे हैं, इन द नियर फ्यूचर हाल ही में, जल्द ही ये क्या होने जा रहा है, कंपनी में बदलाव होने जा रहा है, ठीक है भाई। तो आप लोग बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई सब लोग, क्या हो जाएगा, ऑफ द रेल्स क्या होता है, ऑफ द रेल्स क्या होता है, ये आपको समझना है, ऑफ द की क्या होती है, पहले आंसर आप लोग बताइए भाई। बहुत सही, सब लोग बताओ भाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस इज स्ट्रिक्टली, बहुत सही, हाँ ऑफ द रिकॉर्ड होगा, बहुत सही भाई, ऑफ द रिकॉर्ड होगा, क्या होगा, ऑफ द रिकॉर्ड होगा, इसका मतलब क्या है, अप्रकाशनीय, ठीक है, जो प्रकार जो रिकॉर्ड से अलग हो, बिल्कुल सही सिमरन, बिल्कुल सही, राधे राधे भाई, राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 11, ऑल ह्यूमन बींग्स मस्ट लर्न टू लिव इन डैश विथ नेचर। आप सभी ह्यूमन बींग को अवश्य रूप से लर्न करना चाहिए, क्या करने के लिए, लिव कर रहने के लिए, विथ नेचर, नेचर के साथ में, अब कैसे नेचर के साथ में रहने के लिए क्या करना चाहिए, वो लर्न करना चाहिए। तो आप लोग बताइए, आपके पास है काइंडनेस, काइंडनेस, प्लीजर, एडमिरेशन या हार्मनी, आप बता दो भाई, आप लोग बता दो। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछा हूं, ठीक है भाई। जय श्री कृष्णा पूनम, जय श्री कृष्णा, बताओ भाई सब लोग बता दो, सब लोग बता दो जल्दी जल्दी से, सब लोग बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। सामंजस्य बना के रहना चाहिए तो हार्मनी होता है, और हार्मनी के साथ में हमेशा ध्यान रखिएगा प्रीपोजिशन क्या यूज होता है, विद होता है, क्या होता है भाई, प्रीपोजिशन क्या होता है आपका, विद होता है। क्लियर हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, द प्रोफेशन ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज। आप जल्दी जल्दी बताइए ताकि हम लोग यहां से आज केवल आंसर की बात करेंगे ज्यादातर, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि हम लोगों को ज्यादा टाइम हम लोग क्लॉज पे दे पाए। जल्दी से बताइए भाई, द प्रोफेशन ऑफ राइटिंग डिक्शनरी क्या होती है, द प्रोफेशन ऑफ राइटिंग डिक्शनरी क्या होती है, जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ आप लोग, द प्रोफेशन ऑफ क्या होता है, लेक्सिकोग्राफी होता है, क्या होता है भाई, लेक्सिकोग्राफी होता है, क्या होता है, लेक्सिकोग्राफी होता है। बायोग्राफी सबको पता होता है, आत्म कथा होती है जो लिखा जाता है, बायोग्राफी जो होता है वो किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन एक ऑटोबायोग्राफी होता है, जो ऑटोबायोग्राफी ऐसी चीज होती है जो मैं खुद अपने बारे में लिखूं, कोई अगर इंडिविजुअल है अगर वो अपने बारे में खुद ही लिख रहा तो उसकी ऑटोबायोग्राफी होती है, अगर दूसरे के लाइफ के बारे में कोई दूसरा लिख रहा है, एक पर्सन है जिसके लाइफ के बारे में दूसरा कोई लिख रहा है, वो खुद नहीं बात कर रहा है अपने बारे में लिख रहा है, तो आपका क्या हो जाता है, वो बायोग्राफी हो जाता है, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी आपका क्या हो जाता है, जो खुद लिखता है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। टाइपिंग से रिलेटेड है आपका टाइपोग्राफी, जो आपका मुद्रण कला की बात करते हो तो आपका क्या होता है, आपका टाइपोग्राफी हो जाता है। कार्टोग्राफी में आप मैपिंग की बात करते हो, आपका जो ऑप्शन नंबर सी है कार्टोग्राफी है, ठीक है भाई। तो क्लियर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी बात कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 की, गिविंग ऑफ स्पेशल फेवर टू वंस किथ एंड किन। किथ एंड किन जो सगा संबंधी होता है, यहाँ पे फिर ध्यान रखिएगा, जो सगा संबंधी के सेंस में जो आपका जो फ्रेज आता है वो आपका आता है किथ एंड किन, क्या आता है भाई, किथ एंड किन, इसको आपको ध्यान रखना है, सब लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। नियर डियर, नियर डियर जो सगा संबंधी होता है, जो आपका क्या होता है, सगा संबंधी होता है, तो आप क्या बोलोगे, वो भाई भतीजावाद के सेंस में होता है, तो आप करेक्ट आंसर क्या बोलोगे भाई, नेपोटिज्म बोलोगे, क्या बोलोगे, नेपोटिज्म बोलोगे, क्या बोलोगे, नेपो, फेवरेट तो आपका क्या होता है, पसंदीदा,
पसंदीदा, लेकिन जो आपका सगा संबंधी होता है वो आप क्या होता है, वो आपका होता है नेपोटिज्म होता है, भाई भतीजा वाद होता है, भाई भतीजा वाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 14 नंबर। वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज क्वाइंस, एक वह जो कलेक्ट करता है और क्वाइन क्वाइन को, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो आपका क्या कहलाता है, सब लोग बता दो भाई जल्दी जल्दी से। वो फिलेटलिस्ट कहलाता है, फिलेटलिस्ट कहलाता है, या नंसियो कहलाता है, या बिब्लियोफाइल कहलाता है, या न्यूमिस्मेटिस्ट कहलाता है, सबको पता होगा, ये सबको पता होगा भाई। बिब्लियोफाइल कौन होता है, जो बुक को पसंद करता है, फाइल लगा है, और बिब्लियो जो आपका बुक से रिलेटेड होता है, तो आप क्या बोलोगे, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, जो बुक से संबंधित है आपका बिब्लियोफाइल। वन हु लव्स बुक्स, ठीक है, जो बुक को पसंद करता है, बुक रीडिंग करना पसंद करता है, आप क्या बोलोगे, बिब्लियोफाइल होता है। जो डाक टिकटों का जो संग्रह होता है वो कौन करता है, वो फिलेटलिस्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना, ये चीज मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। वर्ड्स आर लाइन्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ ए पर्सन, जो लाइन्स या शब्द जो कि लिखे हुए होते हैं कहाँ पे, टॉम्ब पे, किसके, एक पर्सन के कब्र पर जो लिखा जाता है, अब किसको क्या बोलते हो, एपिटाफ बोलते हो, या एनेक्डोट बोलते हो, या कैलीग्राफी बोलते हो, या सेनोटाफ बोलते हो, जल्दी जल्दी बताओ, सब लोग बताओ भाई, जल्दी 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 बता दो भाई सब लोग। बहुत सही भाई, बहुत सही। तो आपका एनेक्डोट होता है, छोटी सी कहानी होती है, इंटरेस्टिंग वे में रिप्रेजेंट की जाती है। एनेक्डोट होता है जो लघु कथा के सेंस में आप बोलते हो, ठीक है, जो लघु कथा के सेंस में आपका होता है, एनेक्डोट होता है। जो एपिटाफ, ये सबको पता है, जो कि कब्र पर लिखी हुई जो शब्द होते हैं, और या यो लाइन होती है। कैलीग्राफी जो होता है, कैली मतलब होता है गुड के सेंस में, जो अच्छी लिखावट होता है, उस सेंस में जो आपका वर्ड आता है वो क्या आता है, वो आपका मेरे भाई आता है कैलीग्राफी आता है। क्या आता है, कैलीग्राफी आता है। क्लियर हो रहा सभी को, एकदम क्लियर हो रहा ना, एकदम बहुत बेहतरीन भाई, बहुत ही बेहतरीन। सेनोटाफ जो होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं जो रिलेट करता है ये वर्ड, ये कब्र से रिलेट करता है। कहां से रिलेट करता है भाई, कब्र से रिलेट करता है, तो आपको ध्यान रखना। बहुत सही मनीष, बहुत सही मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग सबको क्लियर हो गया, चलिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 16, स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि आप अगर आप किसी वर्ड के ओरिजिन की बात कर रहे हो या हिस्ट्री की बात कर रहे हो, तो आप किस पार्ट में आप उसका अध्ययन करते हो, ये किस शाखा में आप लोग अध्ययन करते हो, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, आप लोग बताइए भाई, सब लोग बता दो जल्दी जल्दी से, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी जल्दी से सब लोग बताओ भाई, जल्दी से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रवल, कोई बात नहीं, बाद में देखिएगा जरूर आप लोग, सेशन को मिस आपको नहीं करना है। अगर मैं तबीयत खराब होते हुए भी अगर आपकी क्लास ले रहा हूं, तो इसका मतलब है कि सेशन इंपॉर्टेंट, टाइम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो चीजों को समझिए और सेशन को आप छोड़िए ना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यही हो बहू आपको पेपर में आते हुए दिखेंगे, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाता है एटमोलॉजी, क्या हो जाता है, एटमोलॉजी हो जाता है। आपको मॉर्फोलॉजी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, ठीक है, बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा अभी, ठीक है, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और जो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ यहाँ, जो बार बार आपका आएगा, वही क्वेश्चन आपको बताता हूँ। द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग ह्यूमन फ्लैश, ये आपको मैं करवा चुका हूँ, चलो जल्दी से बताओ, इसमें मैं टाइम नहीं दूंगा। द प्रैक्टिस ईटिंग ह्यूमन फ्लैश को, जो ईटिंग करने की बात होती है, वो कौन सा वर्ड आता है, वो कौन सा वर्ड आपका आता है, जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत सही भाई, बहुत सही, जल्दी जल्दी बता दो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे भाई ये नहीं बताया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश इज कॉल्ड कैनिबल, ठीक है, और ऐसा प्रैक्टिस जो होता है, जो वो आपका क्या कहलाती है, वो कैनिबलिज्म कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो आपको बताना है सबको। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो समवन हु वर्क्स ओनली फॉर पर्सनल प्रॉफिट, एक वह जो केवल और केवल अपने फायदे के लिए काम करता है, वो कौन कहलाता है, एक वर्ड में बता दो एक बार, मटेरियलिस्टिक होता है, मर्सिनरी होता है, वो ग्रीडी होता है, या मर्केंटाइल होता है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपके दिमाग में आपके क्या चल रहा है, वो क्या हो जाएगा, सबको पता है,
वो ग्रीडी नहीं होता भाई, ग्रीडी तो लालची होता है, ग्रीडी कौन होता है, वो लालची होता है। लेकिन एक वह जो काम करता है केवल और केवल अपने प्रॉफिट के लिए, केवल और केवल अपने प्रॉफिट के लिए, वो कौन होता है, वो आपका होता है मर्सिनरी। कौन होता है, मर्सिनरी जो वर्ड होता है इस सेंस में बोला जाता है। कभी कभी इसी को बोला जाता है भाड़े का सैनिक। क्या, भाड़े का सैनिक। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल्दी जल्दी करिए ताकि हम लोग जल्दी से क्लॉज पे आए, और क्लॉज पे हमको टाइम देना है, क्योंकि ये चीज मैं आपको ज्यादातर मैं करवा चुका हूं। ये आपको ऐसा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आपको जल्दी दिखने वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चन, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैं अगर लेके आया हूं तो आपको ध्यान रखना, हो सकता है बाउंसर के तौर पे आपके सामने आपके फेंक के मार दे एग्जामिनर, तो आपको डरना नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो आपको बाउंसर के तौर पर भी आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको बाउंसर के तौर पर भी आपको ध्यान रखना है। तो अ हैवी अननेचुरल स्लम्बर आपको क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है भाई स्टूपर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टूपर कहलाता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो ऑप्शन बी बहुत लोगों का सही है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, अ डीप डिसलाइक ऑफ फॉरिनर्स। अ डीप बहुत ज्यादा अगर आपको डिसलाइक करते हो फॉरिनर को, विदेशियों को, तो आप लोग क्या बोलोगे, उसको क्या बोला जाता है, एक्रोफोबिया, जेनोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया या हाइड्रोफोबिया। तो फोबिया का मतलब सबको पता है, जो फोबिया वर्ड होता है, फोबिया का मतलब क्या होता है, वो डर होता है। क्या होता है, वो डर होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है अगर आपको बंद कमरे में कहीं अगर आपको कर दिया जाए, वहां पे जो डर होता है सबौ सकरे स्थान पे, वो आपका क्या होता है, वो आपका क्या होता है भाई, क्लस्ट्रोफोबिया होता है, ठीक है, क्लस्ट्रोफोबिया होता है। पानी से डर आपका क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। क्या होता है भाई, हाइड्रोफोबिया होता है। एक्रो मतलब क्या होता है, आग से संबंधी, ठीक है। और बताओ ये जेनोफोबिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 21, ठीक है, ठीक है। बैटरी चेंज हो रही है, आपको परेशान नहीं होना आपको, ठीक है भाई, जल्दी से बताइए। दैट कैन नॉट बी ओवरकम, जिस पर ओवरकम मतलब काबू नहीं पाया जा सकता, उसको क्या बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, इररिवोकेबल या इररिपेरेबल या इनवल्नरेबल या इनसरमाउंटेबल, आप लोग बता दो भाई जल्दी जल्दी से, क्या बोलोगे, जल्दी जल्दी से बताओ आप लोग, जल्दी जल्दी से आपको बताना है, क्या बोलोगे, जिस पर आप काबू ना कर सके, जिसको जीता ना जा सके, जिसको जीता ना जा सके, उसको क्या बोलते हो, फिर गलती करोगे, फिर गलती करोगे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जाट भाई, क्या ऊपर से गया, क्या ऊपर से गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, गुड इवनिंग भाई दीपेश, गुड इवनिंग। ऑप्शन नंबर डी होगा ना, जिस पर जिसको जीता ना जा सके, इनसरमाउंटेबल, क्या इनविंसिबल या इनसरमाउंटेबल, आप नहीं पता आपको, आप बताओ मैं करवाया था कि नहीं करवाया था, ये वर्ड तो आपको मैं करवा चुका हूं, तो आप लोग फिर गलती क्यों कर रहे हो, ये गलती आप क्यों कर रहे हो, आप बताइए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आज ऑप्शन पर थोड़ा सा मैं काम कम ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि आपको मैं ज्यादा फोकस किस पर करना है, आज आपको ध्यान रखना कि ज्यादातर फोकस आपको मैं करना है क्लॉज पे, इस वजह से मैं ज्यादातर ऑप्शन में ध्यान दे नहीं रहा हूं, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। सरबीन यादव, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो आपको ध्यान, बाकी और जो सेशन आपको पता है, जो वो कैब स्पेशल जो सेशन थे, एक एक ऑप्शन पे जितने जितने वर्ड निकल के आते थे मैं सब चीज करवाता था, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आज का जो सेशन है वो जो क्लॉज ओरिएंटेड सेशन में बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्यादातर फोकस जो हम लोग करेंगे वो क्लॉज पे करने वाले हैं। तो बता दीजिए भाई, 22 में टू वॉक स्लोली या वेस्टिंग टाइम आपका क्या कहलाता है, सब लोग बता दीजिए भाई, क्या कहलाता है, आपका डॉडल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, डॉडल कहलाता है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, क्या हो जाएगा, वो डॉडल होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, डॉडल हो जाएगा। वेस्टिंग टाइम के सेंस में जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या बोलोगे आप, डॉडल होता है। स्ट्राइगर मतलब होता है लड़खड़ा के चलने के सेंस में, और स्ट्राइड मतलब क्या होता है, कदम ताल ठोक के जो चलता है, स्ट्राइड करना, ठीक है, ठीक है। और आर्मी का जो चलना होता है, जो आर्मी के जो सैनिक चलते हैं, उसको मार्चिंग बोला जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया भाई, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। 23 क्वेश्चन नंबर की बात करें अगर, द प्रोफेशन ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज, फिर वही चीज आ गया,
अब तो कर ले जाओगे, वही क्वेश्चन आ ही गया है, क्या बताना, लेक्सिकोग्राफी होगा। 24, द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद डिजीज ऑफ ओल्ड एज, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं टाइम दूंगा इस पे, क्योंकि नया क्वेश्चन भी है, और जो क्वेश्चन अभी तक पूछा वो ज्यादातर कहीं ना कहीं आपसे मैं पूछ भी चुका था। तो एरिया मेडिसिन का ऐसा एरिया जो डील करता है जो कि किसी ओल्ड एज के डिजीज से, वो आपका क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैस्ट्रो जो आपका स्टमक से रिलेटेड होता है वो चीज बताता है। पीडियाट्रिक्स आपका क्या होता है, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, जो स्त्री में जो बीमारियां होती हैं, जो प्रसूत रोग विशेषज्ञ बेसिकली अगर हम बोलते हैं जो लोग, ठीक है, स्त्री स्त्रियों के वुमेन्स के जो स्पेशल जो डॉक्टर होते हैं, वो यहाँ पर ये वर्ड आता है। तो आपके जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबको ध्यान रखना है। तो चारों क्लियर हो गए सभी को, एकदम सभी ऑप्शन क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक बार थम्स अप दीजिए भाई, एक बार थम्स अप दीजिए, और जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, जल्दी जल्दी बताइए भाई, ठीक है, बताओ भाई जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ आप, जल्दी जल्दी बताओ आप, मुश्किल समय ही हमें मजबूत बनाता है भाई, एक चीज ध्यान रखना, और सफल होने के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी है, सफल होने के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत हो रहा है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, मैं एकदम बता रहा हूं कि अभी तो बहुत कुछ बचा है आपके लिए, मैं बहुत कुछ करवा दूंगा, जो भी गलतियां हो रही है, आप जब जाओगे एग्जाम में तो गलतियां नहीं होंगी, इस बात की गारंटी है भाई, बस सेशन पूरा कर जाओ सही से बस। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्या है भाई, अ लाई डिटेक्टर, जो झूठ बोलने वाले की जो पहचान करता है वो क्या कहलाता है, वो जो झूठ बोलता है अगर कोई, उसको भी पहचान, डिटेक्ट मतलब क्या होता है, पहचानना, तो जो झूठ बोलने के लिए जो मशीन होती है, मान लो कि पहचान ले जाता है कि हाँ झूठ बोल दिया आपने, ठीक है। रमन सचान, गुड इवनिंग भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में देखिएगा, लेकिन सब लोग देखिए जरूर, जल्दी जल्दी कीजिए भाई, जल्दी जल्दी आपको बताना है क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सबको बताना है, जल्दी बताओ आप, जल्दी से बताइए आप लोग, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पॉलीग्राफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉलीग्राफ, ये आपका बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ये पॉलीग्लॉट एक ऐसा वर्ड होता है जो स्पीक, एक ऐसा पर्सन जो स्पीक करता है ढेर सारी भाषाओं को, तो बहुभाषी जो होता है, ठीक है, बहुभाषी के सेंस में जो वर्ड आता है, पॉली मतलब बहुत होता है, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत होता है, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत होता है, और एक होता है पैन, पैन का मतलब क्या होता है, आल, क्या होता है, आल, ठीक है भाई। तो यहां पे पॉलीग्लॉट आपको ध्यान रखना, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। पेलियोग्राफ में क्या करते हो आप, वो जो चीजें होती हैं आपकी, किससे, पेलियोलॉजिस्ट कौन अध्ययन करता है, क्या अध्ययन करता है, जो प्राचीन चीजें होती हैं उसका जो अध्ययन हो, हाँ हाँ बिल्कुल 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 राज, बिल्कुल बिल्कुल, तो प्राचीन जो शिलालेखों का जो अध्ययन होता है वो आपका इसी में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो 26 नंबर है, सरेंडर समथिंग एज ए पनिशमेंट और पेनाल्टी, सरेंडर समथिंग, किसी को सरेंडर करना एज ए पनिशमेंट, एक पनिशमेंट के रूप में या पेनल्टी के रूप में, इसको क्या बोलोगे, फॉरफिट बोलोगे या फोरेंसिक बोलोगे या फोरसाइडो बोलोगे या फॉर्जरी बोलोगे, आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से बता दो भाई जल्दी से, ठीक है। सर जी टाइम चेंज कर दिया, हमारा रिचार्ज खत्म हो गया था, हाँ टाइम तो भाई चेंज है, इस वजह से आप लोगों को पता भी नहीं है, इस वजह से आपके बहुत कम लोग लाइव भी आ रहे हैं शाम में, ये मुझे पता है, ठीक है। सर रोज तो क्लास होती है आपकी, डेली क्लास हो रही है इंग्लिश की, तो आपकी डेली क्लास होती है, जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी सब लोग बताइए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जब्त, जब्त फॉरफिट क्या होता है, जब्ती के सेंस में, क्या होता है, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि ज्यादातर लोगों का एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन, जो अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन होता है वो आपका क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, आज आपको हो सकता है उतनी एनर्जी में एंड से आपको ना दिखाई दे रही हो, उसका एक ही रीजन है कि मेरी है तबीयत खराब भाई, ठीक है। तो ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीजों को समझेंगे और आप बेहतर तरीके से जवाब देते हुए चलेंगे,
ठीक है, आपको क्लॉज मुझे सिखाना है, मैं क्लॉज सिखा दूंगा। 27 में आप लोग बताइए आपको क्या लग रहा है, जो भी आपको आपसे नजर आए जल्दी से बताओ। हियर से आपका क्या होता है, वो हियर से आपका होता है जो अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन होता है। अथीज्म, अथीज्म मतलब क्या, आ मतलब नेगेटिव चीज हो गया। जो अब ईश्वर की जो आस्था रखता है वो कौन होता है, वो ऐसी विचारधारा थीज्म की होती है, और जिसके अंदर ऐसी भावना नहीं है, ऐसे विचार नहीं है, वो आपका क्या होता है, वो आपका अथीज्म होता है। वो आपका क्या होता है, अथीज्म होता है। ईश्वर ना होने की जो धारणा होती है किसी के अंदर, वो क्या होता है, अथीज्म वाली क्वालिटी क्वालिटी होती है। निहिलिज्म आपका क्या होता है, ठीक है, आपका क्या होता है, शून्यवाद। निहिल मतलब क्या होता है आपका, वो नील से, नील भी चाहे नील आप बोलिए, शून्यवाद आपका क्या होता है, वो शून्यता से संबंधी होता है, वो शून्यवाद के सेंस में होता है। ठीक है भाई, ओबीडियंस आपका क्या होता है, आज्ञाकारी जो होता है, और डिस आपका लगा दिया तो अवज्ञा। ठीक है भाई, अवज्ञा क्या हो गया भाई, अवज्ञा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कीजिएगा भाई, क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब लोग आपको ध्यान रखना है, सबको ध्यान रखना। क्लियर हो गया भाई, एकदम क्लियर हो गया सभी को, बता दो भाई एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे मनीष कैसे, उसको वही बोला जाता है, और क्या आपको लग रहा है, और बताओ कौन सा जो अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन अगर है तो आप क्या बोलोगे। क्लियर हो गया भाई, मनीष मेरे भाई बताओ। 28, वन हु एम्यूजेज हिमसेल्फ बाई लव मेकिंग, एक वह जो अपने आप को एम्यूज करता है, खुश रखता है, बाई लव मेकिंग, लव मेकिंग करके अपने आप को खुश करता है, रखता है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ भाई, सब लोग बताओ जल्दी जल्दी, वो क्या हो जाता है, बताओ भाई जल्दी जल्दी। क्लियर हो गया सभी को, सब लोग बताओ भाई जल्दी जल्दी से। बिट्टू पटेल ऑप्शन नंबर ए होगा, नाना भाई, जाट बॉय ऑप्शन नंबर सी होगा, सी 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 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। एपिक्यूरियन तो वो होता है जो को गुड फूड में, ड्रिंकिंग में एकदम इंजॉय करता है, वो एकदम, वो कौन होता है, वो एपिक्यूरियन के संदर्भ में होता है। बोहेमियन जो आपका होता है, जो समाज से कटा कटा रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास, क्रिएचर हु लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, तो सब लोग आप बताइए आपका क्या हो जाएगा। ऐसे क्रिएचर्स जो कि रहते हैं यहाँ पे दोनों, कहाँ पे, लैंड पर भी और वाटर पर भी, वो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बता दो भाई, सब लोग बताओ जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। रेप्टाइल्स कौन होता है, जो सरीसृप वर्ग होता है, सांप वगैरह होते हैं। ठीक है, वो हाँ बिल्कुल मनीष, जो आपने बोला वो क्या हो जाएगा, वो सरीसृप वर्ग हो जाएंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपके आपके लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, ऐसे क्रिएचर्स को आप लोग क्या नाम दोगे, आप सबको बताना है। पल्लवी ऑप्शन नंबर ए होगा, मनीष ए होगा, आरव ये ए होगा, अभिषेक तिवारी ए होगा, सागर ऑप्शन नंबर बी होगा, वंशु सी होगा, खुशी सिंह ऑप्शन नंबर बी होगा, अंकित चौहान गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग, आर्या चौधरी ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, सिमरन ऑप्शन नंबर सी होगा, पल्लवी राय ऑप्शन नंबर सी होगा, अभिषेक तिवारी सी होगा, मनु ऑप्शन नंबर सी होगा, सब लोग बताओ, सुधांशु मिश्रा ऑप्शन नंबर सी होगा, जाट बॉय ऑप्शन नंबर सी ए होगा, सोनू ऑप्शन नंबर सी होगा, सब लोग बताओ भाई, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ। अंकित चौहान, राधे राधे भाई सभी को, राधे राधे। दीपेश पटेल ऑप्शन नंबर सी होगा, जिया खान गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग, ऑर्डिनरी बॉय ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रॉम चंबा ऑप्शन नंबर ए होगा, अंगद यादव ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है भाई, सब लोग बताओ, आकाश शर्मा ऑप्शन नंबर डी होगा, अरुण आरू वर्मा आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, आप राज ग्रेट ऑप्शन नंबर ए होगा, दीपेश पटेल सी होगा, खुशी सिंह ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुत सही भाई, विजय प्रजापति रॉकी भाई ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत सही भाई, बबली ठाकुर गुड इवनिंग भाई, वीर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एम्फीबियन, क्या हो जाएगा, एम्फीबियन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ध्यान रखना, ऐसे क्रिएचर्स जो आपको, ऐसे जो आपके लैंड पर भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं, वो आपका क्या होते हैं, एम्फीबियन होता है, जैसे आपका क्या, फ्रॉग, मेढक। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 है, हार्ड टू प्लीज बट क्विक टू फाइंड फॉल्ट। ठीक है, जो जिसको क्या करना, जिसको मनाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, लेकिन वह क्या करता है, बट क्विक टू फाइंड फॉल्ट, जिसको मनाना तो बहुत कठिन काम है, लेकिन वह गलती ढूंढने में क्या है, आसान है, इजीली गलती ढूंढ लेता है। तो आप लोग बताओ भाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फास्टिडियस, श्नोबिस, ऑब्नॉक्सियस या मेटिकुलस,
आप लोग बता दो भाई जल्दी जल्दी से, सब लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर 30, बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत बेहतरीन, जल्दी जल्दी बता दो भाई, बता दो भाई, बहुत सही, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फास्ट इंडिया। आपको बताया जिद्दी के सेंस में, जिद्दी के सेंस में आपको बताए थे ना, क्या बताए थे और बताओ वर्ड, तो ये बार बार लिखोगे तब याद हो जाएगा। स्टबर्न आपको बताए थे, और क्या बताए थे? ऑब्डुरेट बताए थे, ऑब्डुरेट बताए थे, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, फास्टिडियस आपका है ही है। और आपसे क्या बताए थे? अनईल्डिंग बताए थे। क्या बताए थे भाई? अनईल्डिंग। ये सब वर्ड आपको ध्यान रखना है जो हठी और जिद्दी के सेंस में आता है, ठीक है भाई? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फास्टिडियस हो जाएगा। ऑब्नॉक्सियस जो आपका कोई चीज अप्रिय जो होता है, जो प्रिय ना हो किसी का, ठीक है, नेगेटिव टोन में आता है। आस्किंग फॉर एडिशनल ट्रूप्स ऑफ सोल्जर, जो डिमांड, आस्क फॉर मतलब क्या होता है? डिमांड। ये बहुत अच्छा आपको फ्रेजल वर्ब है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई? आस्क फॉर, आस्क फॉर, ठीक है, डिमांड। एडिशनल ट्रूप्स ऑफ सोल्जर, जो सेना की जो टुकड़ी होती है, जो वो आपका क्या होता है? ट्रूप कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वो आपका क्या होता है? वो रिहाइड्रेशन होता है, या री इन्फोर्समेंट होता है, या रीइट्रेशन होता है, या रीइंबर्समेंट होता है, आप लोग बता दो भाई, जल्दी से बता दो। ये आपको सबको पता होगा, मुझे पता है, और सभी का आंसर सही आ भी रहा है। वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है भाई रीइंफोर्समेंट होता है, रीइंफोर्समेंट होता है। क्या होता है? रीइंफोर्समेंट होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रिट्रेशन मतलब होता है दोहराने के सेंस में, आपको सबको पता है, सबको पता है, इसमें तो बताने की जरूरत कुछ है नहीं। और जो रीइंबर्समेंट होता है वो कभी कभी क्या होता है? हर्जाना पूर्ति के सेंस में जो आता है आपका रीइंबर्समेंट होता है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, जो आपको हजारों क्वेश्चन में शायद कोई कभी कभार दिखने वाले क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो है आपके कभी कभार दिखने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग बता दो, आपको जो भी ऑप्शन आपको नजर आए जल्दी से बता दो। इसके बाद हम लोग सीधा आ जाएंगे तुरंत क्लॉज पे, सीधा आ जाएंगे किस पर? क्लॉज पे आ जाएंगे, वो आपको बचेगा। इसके अलावा आपका एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स हम लोग करेंगे इसके बाद में। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं, क्या आपको मैं करवाऊंगा पहले क्लॉज को, किसको भाई कराऊंगा? क्लॉज को। तो आप लोग 32 को आप बता दीजिए, आपके पास जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है भाई? स्पेंड मोर देन वन कैन यूजुअली अफोर्ड, ज्यादा स्पेंड कर देना, यूजुअली जो कि सामान्यता जो एक क्या करता है अफोर्ड करता है, उससे ज्यादा क्या कर देना, स्पेंड क्या कर देना, स्पेंड करना आपका क्या हो जाता है? वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। अ फोर्सफुल एंड एग्रेसिव स्पीच, अ फोर्सफुल और एग्रेसिव स्पीच आपकी क्या कहलाती है? जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पे जो अच्छे अच्छे वर्ड हैं, आपको चारों वर्ड अच्छे हैं तो चारों वर्ड मैं आपको बताऊंगा, जहां मुझे लग रहा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वो चीज करवा भी रहा हूँ, ठीक है? जो फोर्सफुल हो और एग्रेसिव स्पीच आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है क्या? हैरांग कहलाती है। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। तो ऐसा स्पीच जो कि बहुत ही एग्रेसिवली बोला गया हो, ऐसा स्पीच जो क्या कहला क्या बोला गया हो, बहुत ही एग्रेसिव वे में बोला गया हो, वो आपका नहीं। इधर से पल्लवी कोई दिक्कत नहीं है, और किसी को नेट इशू आ रहा है क्या? बता दीजिए एक बार, बता दो भाई एक बार, ऐसा तो नहीं है इधर से, और कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? अब देखिए एक्सटेम्पोर क्या होता है कि बिना तैयारी के दिया गया पहला भाषण, जो बिना तैयारी के दिया गया भाषण होता है, सॉरी, जो बिना तैयारी के दिया गया भाषण होता है, वो क्या होता है? एक्सटेम्पोर होता है। और इसी के लिए कभी कभी एक वर्ड और दे देता है, इम्प्रॉम्प्टू होता है। क्या होता है? इम्प्रॉम्प्टू, EIMPROTU, ठीक है? ये दोनों वर्ड सेम चीज के लिए आता है, कभी ये दे देगा, कभी ये दे देगा, बिना तैयारी के दिया गया भाषण, ठीक है? और जो पहला भाषण है ये भी आपसे पूछा जाता है, जब पहला भाषण कोई देता है वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है भाई मैडन स्पीच होता है। क्या होता है? मैडन स्पीच होता है। अगर पहला भाषण होता है, पहला स्पीच जब होती है, उसको क्या बोला जाता है? आपकी मैडन स्पीच होती है। क्या होती है भाई? मैडन स्पीच बोला जाता है, ठीक है ना? क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया। एडुलेशन आपका जो होता है वो प्रशंसा के सेंस में आता है, और ओरेशन जो आपका होता है वो आपका होता है भाषण। ओरेशन जो होता है वो क्या होता है आपका? वो भाषण होता है,
ठीक है भाई, तो क्लियर हो गया, एक एक चीजें क्लियर हो गई। एडुलेशन जो प्रशंसा के सेंस में आता है। हाँ मनीष, प्रथम भाषण जो आपका होता है उसको आप क्या बोलते हो? मैडन स्पीच। तो यहां से कई चीजें आ सकती थी, इस वजह से मैंने आपको हर एक ऑप्शन को अच्छे से पूरा डिस्कस कर दिया है। यहां से चार पांच क्वेश्चन और चार पांच वैरायटी के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कहीं से भी कभी भी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 34 है। अ हैंगर इज, वो हैंगर क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन है किसका? आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। आप लोग जल्दी से बता दो भाई, वो क्या होता है? वो आपका क्या होता है? वो क्या कहलाता है? ठीक ठीक पल्लवी, ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम। जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी से, क्या कहलाता है वो हैंगर? क्या होता है वो हैंगर? क्या कहलाता है? एक ऐसा प्लेस जहां पर क्या होते हैं, जहां पर एरोप्लेन्स को क्या किया जाता है? पार्क किया जाता है, वो आपका क्या होता है? बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ऑप्शन, हाँ सिमरन, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल। जय माता दी, वेरी गुड सर जी, जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को। अब देखिए, अब आप लोग बताइए, पहले आप एंटोनिम्स करोगे कि या क्लॉज करवाएं? अब आप बता दीजिए, आपको एंटोनिम्स करोगे पहले कि क्लॉज? डिसेंट सैनी, लव यू सर जी, लव यू मेरे भाई, पहले क्लॉज या एंटोनिम्स आपके ऊपर है, कमेंट कीजिए, मैं देखता हूं। क्लॉज या एंटोनिम्स? एंटोनिम्स, अरे भाई क्लोज नहीं है, डिसेंट, क्लॉज, क्लॉज। वंशु, वंशु का तो सबसे डिमांड है क्लॉज का, तो आप तो वही बोलोगे भाई। सिमरन, एंटोनिम्स, क्लॉज, 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 एंटोनिम्स। गौरव कुमार, क्लोज टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, क्लॉज की बात कर रहा हूँ, उपवाक्य, क्लॉज, क्लॉज, एंटोनिम्स। तो ऐसा करते हैं ना, सिक्वेंस में चलने देते हैं, करवाना दोनों है। ऐसा करेंगे कि आज ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे और आंसर बताते हुए निकल जाएंगे। एंटोनिम्स के 15 से 20 क्वेश्चन हैं, करके फिर क्लॉज को लास्ट में बढ़िया से डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्या सही है? बताओ भाई, क्या सही है? ऑप्शन को तो आपको मैं ज्यादा आपको वर्ड नहीं दूंगा, जो क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस कीजिए, बस इस प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग सीधा कहां पहुंचेंगे? सीधा क्लॉज पे आ जाएंगे। ठीक है, नहीं क्लॉज तो होगा ही, बिना क्लॉज की करवाए मैं आज का सेशन आज का खत्म ही नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आपके पास जो भी, आप देखिए, या तो क्लॉज होगा या अब इसकी तो क्लियर, मुझे भी नहीं पता है, मैं क्वेश्चन बना के भेजा हूं, अब देखता हूं निकलता क्या है, जो निकल जाएगा वहीं शुरू कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, अब किसकी बात सही जाती है और किसकी बात जाती है गलत। ठीक है, अपना लक आजमाइए आप लोग, देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आगे लेकर आए, आगे चेक किया जाए, भाग्य की बात है, देखते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। खुल जा सिम सिम, ये तो भाई एंटोनिम निकल के आया, एंटोनिम निकल के आ गया, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स। चलिए वंशु, परेशान मत होइएगा, आपने ज्यादातर, आपने क्लॉज, क्लॉज आपका बहुत ही सही डिमांड है, मुझे पता है, करवाऊंगा जरूर मैं। ठीक है, चलिए जनरस, जल्दी से बताते चलो, जनरस जो उदार के सेंस में होता है। हाँ सरबीन, बहुत सही भाई, जनरस आपका जो उदार होता है, आप जल्दी से बताते जाओ, जो उदार होता है उसका आप एंटोनिम्स क्या बताओगे? आप जल्दी से बताओ भाई, इसका क्या बताना है आपको? एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, तो आप बताओ, इग्नोरेंट आपका क्या होता है? जो अज्ञानी होता है, इग्नोरेंट क्या होता है? वो अज्ञानी होता है। क्रूएल आपका क्या होता है? वो निर्दयी होता है। और मीन जो होता है वो तुच्छ होता है, नीच के सेंस में होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि सबका एकदम क्या हो गया है, एकदम गलत हो गया है। पागलों, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स्टार्टिंग ही खराब कर दिए, गई भैंस पानी में, सबकी भैंस गई पानी में, पकड़ के लाओ सब लोगों। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? डी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? अरे जनरस मतलब उदार होता है, तो जो मीन मतलब तुच्छ है, नीच होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपके पास जल्दी आइए। अब स्लगिश, स्लगिश आप लोग बताइए भाई, जो सुस्त के संस में होता है वो वर्ड आपको लिखते जाना है, वर्ड आपको लिखते जाना है, और जो आपको और अच्छे अच्छे वर्ड चाहिए, जो ढेर सारा जो मैं स्पेशल जो आपका सेशन लिया हूं उसमें एक एक ऑप्शन को मैंने एक्सप्लोर किया है, एक वो सेशन है और एक ऐसा सेशन है जहां पर केवल मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ढेर सारे वर्ड मैं केवल ऑप्शन को ही बता रहा हूं, और जो वर्ड है वो ज्यादातर मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज के जो सेशन मैं लिया हूं स्पेशली वो मैं क्लॉज बेस्ड वह बनाना चाहता हूं। तो क्या हो जाएगा 36 के लिए आपको क्या बता दोगे? वो आपका क्या हो जाएगा? ऊर्जा वहां से संबंधित हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक वे में आपको बात करनी पड़ेगी, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन भाई, अग्रेसिव सबको पता है, ऑप्टिमिस्टिक कौन सबको पता है, आशावादी के सेंस में एक अच्छा वर्ड और आपको बताए थे सैंग्विन, सैंग्विन बताए थे, जो आशावादी के सेंस में आपका आता है, ठीक है भाई। जो बडिंग, जो कली निकलना, मतलब जो अभी अभी आप नवोदित चीज है, जो चीजें अभी धीरे धीरे फल फूल रही है, वो चीज सेंस में आपका क्या आता है? वो बडिंग होता है। क्या होता है? बडिंग होता है। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया, एकदम मजा आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 37 रटलेस, आप बताइए भाई रटलेस आपके पास जो वर्ड है इसको आप क्या बोलोगे? काइंड बोलोगे, शॉर्ट बोलोगे, फॉरगेटफुल बोलोगे, या टेंडर बोलोगे? आप लोग बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए, जो भी ऑप्शन आपको नजर आ रहा हो जल्दी से बता दो, सब लोग जल्दी से सब लोग बता दो भाई, ठीक है भाई। क्रूर और निर्दयी के सेंस में जो आता है वो आपका क्या होता है? वो आपका रटलेस वर्ड आता है, क्रूर या निर्दयी के सेंस में। तो काइंड मतलब क्या होता है? वो दयालु के सेंस में आता है, सबको पता है। जो सॉफ्ट मतलब सबको पता है, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और टेंडर मतलब क्या होता है? नाजुक या कोमल, ठीक है। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है वो है 38 डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है? हताश या निराश, हताश या निराश। आप बता दीजिए भाई 38 में आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? आप लोग बताइए भाई, आप लोग बताइए हताश या निराश, आप लोग बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 38 में इसका आपको एंटोनिम बताना है। तो आप लोग क्या बोलोगे? प्लीज्ड, सेटिस्फाइड या इन्फ्यूरिएटेड? इन्फ्यूरिएटेड बहुत बेहतरीन वर्ड है, इन्फ्यूरिएटेड आपको ध्यान रखना है। इन्फ्यूरिएटेड जो मतलब होता है क्रोध से संबंधित होता है, क्या होता है भाई? क्रोध या गुस्से से संबंधित जो होता है वर्ड, वो आपका क्या होता है? इन्फ्यूरिएटेड होता है, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो निराश या हताश के सेंस में आपका जो इसका एंटोनिम्स बनेगा वो आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा डी हो जाएगा। इलेट मतलब खुशी, खुशी जॉय के सेंस में, प्रसन्नता के सेंस में, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही नीरज भारती, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। दीपेश पटेल ऑप्शन नंबर बी होगा, सागर कुमार ऑप्शन नंबर बी होगा, नीरज भारती ऑप्शन नंबर डी होगा, मनीष ऑप्शन नंबर डी होगा, सिमरन ऑप्शन नंबर डी होगा, इंडियन एयरफोर्स ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्या चौधरी ऑप्शन नंबर डी होगा, राज ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ऑर्डिनरी बॉय ऑप्शन नंबर डी होगा, राज ऑप्शन नंबर डी होगा, डिसेंट साइनी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर हो गया भाई? मजा आ रहा है? अरे कोई बात नहीं, कुछ फर्क पड़ता ही नहीं कि गलत हो या हो सही, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सबसे गलती होती होगी, हम लोग जब एक एज ए स्टूडेंट पूरा कहीं पेपर जब जाते थे देने, हम लोग भी गलती करते थे, हम लोग भी सीखे ना, हम लोग भी तो सीखे, जो आपको आज आपको सिखा रहा हूं तो आप भी सीख जाओगे, उसमें क्या बड़ी बात है? हकीकत तो यही है, कोई सीख के तो आया नहीं पहले से, बार बार अभ्यास करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो प्रैक्टिस होती है वही आपको आगे स्मरण बनाएगी। इसमें क्या करना है, गलत क्या, आपको इसे परेशान क्यों होना है? ये सबके साथ में है, ये आपका ह्यूमन नेचर ऐसा है, ठीक है भाई। गलती करोगे और एक बार में चीजें याद नहीं होंगी, एक बार में चीजें सोचो, हर चीजें अगर जो भी चीजें हैं अगर आपको एक ही बार में याद होने लगे तो आपका दिमाग पागल हो जाएगा, एकदम पागल हो जाए। वो लोग कहते हैं कि सर एक बार में याद नहीं होता है, मैं तो बोलता हूं भाई बहुत अच्छी बात है अगर आपका एक बार में नहीं याद होता है। अरे ठीक 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 ठीक, इंडियन एयरफोर्स कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सिमरन, सब देख लेना भाई, मुझे पता है शाम में क्लास होती है, ज्यादा लोगों का जो नेट आपका जो खत्म हो जाता है मुझे पता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 रिपुडिएट, बहुत बेहतरीन वर्ड, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, तो आपको इसको भी सीखना है। रिपुडिएट
आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है इसका इंटरनी बताना है, प्रीफर करना, यूनाइट करना, एक्सप्लेन करना, एक्सेप्ट करना, रिपुडिएट बहुत बेहतरीन वर्ड है, तो 39 आप बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। रिपुडिएट का मतलब होता है किसी बात का खंडन करना, रिपुडिएट क्या हो जाएगा, वो खंडन करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो खंडन करना। तो अगर आप कोई बात रख दिए तुरंत आपने रिपुडिएट कर दिया, मतलब आप मान ही नहीं रहे हो, मान ही नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो आप, मान ही नहीं रहे हो। तो जाट बॉय ने बता दिया है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, जाट बॉय ने बता दिया ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि जाट बॉय मेरा भाई सही है। सर एक क्लास पैसे रिलेटेड, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, आर्या चौधरी डी होगा, प्रकाश भाई चौधरी ऑप्शन नंबर डी होगा, सचिन यादव ऑप्शन नंबर डी होगा, अजीत कुमार ऑप्शन नंबर डी होगा, अभिषेक तिवारी ऑप्शन नंबर, अरे भाई अभिषेक कहां गलती कर रहे हो मेरे भाई। यूनाइट का मतलब क्या होता है, आप इकट्ठा होना, यूनाइट करना, ठीक है, और एक्सप्लेन करना ये कौन सी बात होती है। अगर आपने उसका खंडन किया है किसी बात का तो मतलब आपको चीज समझ में आई नहीं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तभी आपने उसका खंडन किया है, तभी आपने खंडन किया है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम बताना है, तो रिपुडिएट का जो एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी हो जाएगा। अच्छा राम राम, अयोध्या से प्रवेश तिवारी, राम राम भाई, मैं भी अयोध्या से ही हूं, राम राम भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 40 है, ऑफिशियस, बेहतरीन वर्ड, लॉजिकल वर्ड, बहुत बार पूछा गया वर्ड है, ठीक है भाई। विजय प्रजापति जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद, बताओ भाई, बहुत बेहतरीन है मॉक टेस्ट, ठीक है भाई दीपेश, बताओ ऑफिशियस, आप बता दो ऑफिशियस क्या होता है, जो परेशान करने वाला होता है, इसे समझो आपका आता है, वो परेशान करने वाला के सेंस में होता है, आपका कौन होता है, वो आपका होता है ऑफिशियस होता है, क्या कौन होता है, वो आपका होता है ऑफिशियस। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, तो आज का सेशन भी आपको कैप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, बहुत सही भाई। वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इनडिफरेंट हो जाएगा, जो कि ज्यादा लोगों का क्या है, वो सही है। डिटैच का मतलब होता है अलगाव के सेंस में, जो ऑफिशियल ना हो अनऑफिशियल होता है। रिस्ट्रेंट आपको सबको पता है, वो आपको जो संयमी के सेंस में हो जाता है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, एक एक ऑप्शन सबको पता है, तो क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बेहतरीन वर्ड है ये क्या, डेनिग्रेट, बहुत लाजवाब वर्ड है भाई, ये बहुत लाजवाब है, बहुत लाजवाब है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, क्या करना आपको, डेनिग्रेट करना, आपको क्या करना, बिलिटिल करना, किसी को नीचा दिखाना, बिले विश्वास करना, डाउट करना, प्रेज प्रशंसा करना, जल्दी से बता दो भाई। आपको 41 नंबर क्वेश्चन में आपको जो भी आसन आपको नजर आए, सब लोग शुरू हो जाओ, सब लोग शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी से क्या करना भाई, क्या करना, किसी के क्या करना, वो आपकी क्या करना, निंदा करना के सेंस में होता है, क्या करने के सेंस में, वो बदनाम करने के सेंस में, जो आपका रिपुटेशन है उसको कम करने की जो साजिश होती है, वो आपका क्या होता है, वो आपका डेनिग्रेट होता है, ठीक है भाई। गुजरात से आपको प्यार भरा नमस्कार मेरे भाई, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट प्यार अपना बनाए रखिए, बाकी मैं तो आपके लिए जो कर रहा हूं वो तो आगे और बेहतरीन तरीके से होता ही जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया भाई। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रशंसा करना, किसी को बदनाम करने के सेंस में अगर हो गया तो उसका एंटोनिम देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका प्रेज करना के सेंस में। दीपेश पटेल एक बार बता दो आप कहां कहां से आप लोग जुड़े हैं मुझसे, जल्दी बता दो, आज सबका लव फ्रॉम यूपी, जल्दी बताओ भाई सब लोग कहां कहां से हो, कहां कहां से आप लोग लाइव हैं, जल्दी बताइए। राजस्थान से मनु, राहुल कानपुर से, नीरज पीलीभीत, प्रकाश भाई गुजरात से, आजमगढ़ फतेहपुर, प्रयागराज चंबा, गोरखपुर आरू सिंह गोरखपुर, जाट राजस्थान, सागर कुमार बिहार से, हरियाणा से, जालौन से, गुरुग्राम से, डिसेंट सैनी, अच्छा भाई राम चंबा हिमाचल प्रदेश, अच्छा कानपुर सिटी, वीर झारखंड, सागर कुमार बिहार, अभिषेक तिवारी बिहार आरा, सरवीन यादव फरुखाबाद से, अच्छा सरवीन फरुखाबाद से हैं आप, सोनू बिहार, सुधांशु मिश्रा प्रयागराज अल्लाहपुर से, अच्छा मतलब आप यहीं से हो, वाह सुधांशु, शाशाराम बिहार, मनु राजस्थानी, जाट बॉय राजस्थानी, अनुज गाजीपुर, गोलू राजस्थान, दीपेश पटेल उन्नाव, मैं
मैं अयोध्या से 20 किलोमीटर मेरा घर है भाई, प्रयागराज अल्लाहपुर से। अच्छा भाई, चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा भाई। जहां से भी है बस आप लोग बस प्यार बनाए रखिए, बस आप लोगों से ही एक्सपेक्टेशंस हैं। शुभांगी मोहरकर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं। सुधांशु मिश्रा, हाँ बिल्कुल सुधांशु, बिल्कुल बगल के ही हैं आप। हाँ, आरा जिला घर बात कौन बात का डर बा, ये भी सही है शेख। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, बहुत अच्छा लगा। जहां से भी आप लोग जुड़े हैं बस प्यार बनाए रखिए। 42 कॉन्वोलेटेड, ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड, आप लोग बताइए, बेहतरीन वर्ड है ये। आपको जल्दी वर्ड दिखता नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट या मजेस्टिक, आप लोग बता दिए भाई। मजेस्टिक आपको सबको पता है, जो मजेस्टिक वर्ड होता है बार बार पूछा गया है। ठीक है सुधांशु भाई, बिल्कुल आओ भाई, बिल्कुल आओ, सब लोग आप मिलते हैं, इसमें क्या है, सिलेक्शन हो जाए सबका, मैं यही चाहता हूँ। और मिलते हैं फिर, अच्छे से मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बहुत बेहतरीन मनीष, बहुत बेहतरीन आर्या, बहुत बेहतरीन राज, ए होगा, सभी लोगों का सही है, बिल्कुल मनीष, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स के सेंस में आता, कॉम्प्लिकेटेड के सेंस में आता आपका, क्या कॉन्वोल्यूटेड जो वर्ड है ये आपका किस सेंस में आता है, वो कॉम्प्लेक्स के सेंस में आता है, हुआ वर्ड है ये। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंपल। मजेस्टिक जो आपका होता है शानदार, मजेस्टिक जो होता है आपका क्या होता है, शानदार होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल राज, बिल्कुल 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 भी आपका सही है, ए है। क्यों नहीं मिलूंगा, सबसे मिलूंगा, क्यों नहीं मिलूंगा भाई। अरे सुधांशु, ऐसा क्या बात करते हो आप, मेरा नेचर तो आप लोग समझ सकते हो, जिसे आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हो, आपको क्या लगता है मेरा नेचर देख के कि मैं ऐसा कर सकता हूं, बताइए। प्रयागराज से लाइव है, डिलीजेंट बताइए भाई, अब आप लोग पढ़ते रहिए। हाँ बिल्कुल सही है, बताओ डिलीजेंट आपका क्या है, डिलीजेंट आपका क्या है, डिलीजेंट आप सबको पता है परिश्रमी के सेंस में आता है। तो आपको और जो वर्ड आपको ध्यान देना है क्या होता है, एसीडुअस, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है एसीडुअस, आपको जो आपको ध्यान रखना है वो परिश्रमी के सेंस में आता है। आपका जो शेड्यूलस क्या होता है, वो आपका जो वर्ड होता है क्या, शेड्यूलस, ये दो वर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है परिश्रमी के सेंस में, ठीक है। वो कासीएस जो आपका सचेत के सेंस में, केयरलेस जो लापरवाह होता है, डिसऑनेस्ट जो आपका ईमानदार जो ना हो, बेईमान के सेंस में, डिलाइटफुल जो प्रसन्न के सेंस में, डिलाइट आपके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 43 के लिए, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, डिलीजेंट वर्ड आपका अच्छा वर्ड है, तो सब लोग लिख लीजिएगा इसको, ठीक है भाई। लिख लोगे ना सब लोग, लिख रहे हो कि आप लोग केवल वीडियो को देख रहे हो बस ऐसे लेट के, बताओ भाई। कॉपी पेन लेके बैठे हो सब लोग ना, कॉपी पेन सब लोग लेके बैठे हो, या वैसे देखते जा रहे हो, या ऐसे ही देख रहे हो वीडियो को। 44 कॉम्प्लेसेंट, बहुत बेहतरीन, हाँ बिल्कुल आपको लिखते जाना है वंशु, बिल्कुल भाई। डिसेंट सैनी, हाँ बिल्कुल लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, तभी अच्छा ही रहोगा, ठीक है। अच्छा लेकिन आरू अगर लिखोगे तो मेरे हिसाब से आप यही जो आप देख रहे हो, तो आप पेन कॉपी अगर लेकर बैठोगे तो और अच्छा आएगा और बेहतरीन तरीके से होगा। तो कॉम्प्लेसेंट जो आपका जो बेहतरीन वर्ड है वो आपका क्या होता है, आत्मसंतुष्ट के सेंस में जो आता है, सबको पता है ना, सबको पता है ना, तो आप लोग बता दो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सब लोग बता दो भाई क्या होगा, आत्मसंतुष्ट का निगेटिव आपको एंटोनिम बताना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर मेरे हिसाब से अगर सबसे बेहतर आपको करना है तो आप पेन और कॉपी जरूर लेके बैठा कीजिए, ठीक है भाई। अच्छा जाट, जय हिंद भाई राघो, जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को, जय हिंद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 44 में आपको सबको पता है डिसर्टिफाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो डिसर्टिफाइड हो जाएगा, ठीक है। एजिटेट मतलब क्या होता है, उकसाना, उकसाना, प्रेरित करना। तो कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है, वो आपका होता है आत्मसंतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट के सेंस में जो होता है वो जो वर्ड आता है बेहतरीन वर्ड है कॉम्प्लेसेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 45 रीटरेट, रीटरेट
आप लोग बता दीजिए रीइटरेट का मतलब क्या होता है, जो कि अभी वन वर्ड सिचुएशन में ये आया हुआ वर्ड था। रीइटरेशन वहां पर लिखा था, उसका नाउन फॉर्म लिखा हुआ था, यहां पर ये वर्ब फॉर्म लिखा हुआ है। तो आप लोग बताइए दोहराना के सेंस में क्या होता है, वो दोहराना के सेंस में होता है। तो आप लोग बताइए भाई, ठीक है। रेक्टिफाई जो आपका जो वर्ड है, आपको सबको पता है रेक्टिफाई करना मतलब सुधार करने के सेंस में होता है। एफर्म, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज सबको पता है स्वीकार करने के सेंस में होता है। तो आपको तो इसमें तो कुछ कुछ बताना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही तो होगा, ऑप्शन नंबर ए ही तो होगा, ऑप्शन नंबर ए ही तो होगा ना भाई। बहुत सही, सबका सही है, सबका सही है। तो ये आसान क्वेश्चन था। सुपरसीलियस बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, फिर से टिक कीजिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कीजिए। तो इसको ये आपका जो सुपरसीलियस वर्ड होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है घमंडी के सेंस में। क्या होता है भाई, ठीक है, वो आपका क्या होता है, घमंडी के सेंस में होता है। ठीक है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत सही, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई। बहुत सही, सरबीन यादव, मनु, क्या है, क्या क्या मतलब क्या होता है, रूमिनेशन, क्या लिखे हो आप, रूमिनेशन पूछ रहे हो क्या जाट, क्या पूछना चाह रहा हो बताइए, मैं समझ नहीं रहा हूं, फिर से लिखिए आप, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, सब लोग बताओ जल्दी जल्दी। कंसिडरेट होगा, क्या हो जाएगा, कंसिडरेट हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस आपका क्या होता है, जो कोलाहल के सेंस, बहुत ज्यादा आवाज के सेंस में, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस के सेंस में आपका क्या होता है वर्ड, वो आपका होता है बॉयस्ट्रस होता है। क्या होता है, वो आपका होता है बॉयस्ट्रस। ठीक है भाई, जल्दी बताओ भाई, क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, सिंसियर हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा, रिस्ट्रेंड हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, ये तो सबको पता है, क्या हो जाएगा, संयमी के सेंस में भाई, जो कोलाहल डिस्टरबेंस के जो आपका क्या होता है, वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका, आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिस्ट्रेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई, बहुत सही बहुत सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, ल्यूसिडिटी बेहतरीन वर्ड है, ठीक है, ल्यूसिडिटी आपका क्या है, बेहतरीन वर्ड है, तो सब लोग बताइए भाई, ठीक है, अस्पष्ट, एकदम क्लियर, आपका क्या होता है ल्यूसिड, अस्पष्ट, ठीक है। तो आप उसका एंटोनी बताइए, क्या बताना है आपको, एंटोनी बताना है, तो आप लोग बता दीजिए कि आपका क्या होगा, आप बताइए क्या होगा, ल्यूसिडिटी का आपका क्या होगा, बता दो एकदम जो क्लियर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि सबका सही है, वंशु ए होगा, नीरज ए होगा, जाट ए होगा, गुड इवनिंग पूनम, गुड इवनिंग सभी का भाई, ए होगा, दिनेश सिंह ए होगा, नीरज भारती ए होगा, भागीरथी मातो, रीजनिंग भी चलेगी भाई, अभिषेक तिवारी ए होगा, राघव शर्मा, कंफ्यूज हो जाएगा, सबको क्लियर हो गया ना, सभी को क्लियर है जो अस्पष्ट है, और जो अस्पष्ट ना हो तो आप क्या हो गए इसमें, कंफ्यूज हो गए, क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 49, ओनेरस, बहुत ही अच्छा वर्ड है, यहां से आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है आपको एक वर्ड, अब मैं और लिख दे रहा हूं, ये जो वर्ड आपका क्या है, ओनस, क्या है, ओनस, और ये क्या है, ओनेरस, दोनों वर्ड आपको याद होना चाहिए, दोनों वर्ड आपको याद होना चाहिए, जल्द ही आएगा एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड की आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस पढ़ाई करते जाना है, पढ़ाई लिखाई करते रहो, सब कुछ अच्छा होगा, बस ये बात आप लोग ध्यान रखिए भाई। जल्दी जल्दी बताओ भाई, सब लोग बताओ जल्दी जल्दी से, क्या हो जाएगा, ओनेरस क्या होता है, कष्ट होता है, ओनेरस का मतलब क्या होता है, वो कष्ट होता है, क्या होता है, वो कष्ट होता है। तो आप लोग बताइए भाई, क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओनस जो यहां पर लिखा था वो क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इसका ओनस का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी समझना, जो ओनस होता है, उत्तरदायित्व जो होता है,
ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, कैटास्ट्रोफ। बहुत बेहतरीन बेहतरीन वर्ड मैं सेलेक्ट किया था आज, तो ये आपसे बार बार पूछे गए वर्ड हैं, तो आप लोग बताइए भाई क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। ठीक है भाई, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, विपदा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिजास्ट्रस, तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा, डिजास्टर तो उसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स के सेंस में आ जाएगा। आपको बताना है क्या है, आपको बताना है उसका एंटोनिम्स बताना है, क्या बताना है। बिल्कुल बिल्कुल सबका हो जाएगा, आप लोग मेहनत कर भी तो रहे हो। क्या हो जाएगा, कम करना भाई, कम करना, तो शांत करना, क्या करना, शांत करना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो गया हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। इसु प्रजापति, सभी क्लियर हो गया। चलिए भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आ गए हम लोग कहाँ पे, अब हम लोग आ चुके हैं क्लॉज पे, अब हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, अब हम लोग आ चुके हैं क्लॉज पे, कहाँ पे, क्लॉज पे। अब देखिए भाई, अब देखिए, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं क्लॉज बेसिकली होता क्या है, क्लॉज बेसिकली होता क्या है, इसको समझ लेना जरूरी है, इसको समझ लेना क्या है, जरूरी है। तो देखिए क्लॉज क्या होता है, चलो ध्यान से देखते जाइए बस, अब आपको समझना है केवल क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज के बारे में पहले आप बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, क्या होता है भाई, ये आपका होता है ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ठीक है, जिसका अपना क्या होता है, जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, इसमें अपना आप क्या होता है, वर्ब होता है, जिसका ग्रुप ऑफ वर्ड भी होता है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना वर्ब होता है, क्या होता है भाई, वो वर्ब होता है, ये ध्यान रखना है। और ध्यान रखना ये आपका कंप्लीट मीनिंग देता भी है, ये आपका कंप्लीट मीनिंग नहीं भी देता है, कंप्लीट मीनिंग सब लोग ध्यान रखिए, एक बार अगर बेसिक सीख गए तो आप एक भी क्वेश्चन भी कर ले जाओगे। देखिए कंप्लीट मीनिंग देता भी है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी देता है, ठीक है, अब कंप्लीट मीनिंग कब देता है और कब नहीं देता है इसकी बात, तो कंप्लीट मीनिंग ये आपको दे भी सकता है और कंप्लीट मीनिंग आपका नहीं भी दे सकता है। तो यहाँ पे अगर हम और बात करें, यहाँ पे क्लॉज के बारे में जानना चाहें, आपको मैं आपको आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी बेसिक में आप सुधार करोगे तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो क्लॉज जो आपका बेसिकली होता है, वो आपका पहला आपको समझना है, वो आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। और जो दूसरा होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है मेरे भाई डिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो किसी के ऊपर क्या होता है, वो निर्भर होता है, क्या होता है, वो निर्भर करता है किसी के ऊपर, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनिएगा, तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसी को आप कभी कभी क्या बोल देते हो, इसी को आप लोग बोल क्या देते हो, प्रिंसिपल क्लॉज, क्या बोल देते हो, प्रिंसिपल क्लॉज बोल देते हो, प्रिंसिपल क्लॉज बोल देते हो। और डिपेंडेंट क्लॉज को, इसी को आप लोग क्या बोल देते हो, इसी को आप लोग बोल देते हो सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब भाई आपको केवल ध्यान देना है, सुनते जाना है बस, सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोला जाता है, ठीक। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होने वाला क्लॉज है, इसका मतलब अपने आप में ये कंप्लीट मीनिंग खुद ही एक्सप्रेस कर लेता है और इसे क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल क्लॉज बोला जाता है। लेकिन जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो मीनिंग के लिए किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है, और वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, जब डिपेंडेंट क्लॉज को मीनिंग नहीं मिलती है तो वह आपको कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो आपका हो डिपेंड होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड हो जाता है, किस पर, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे निर्भर हो जाता है। सभी लोगों को क्लियर है। अब देखिए मैं आपको अगर समझाना चाहूं, अभी देखिए अभी एक एग्जांपल में ले रहा हूं, अब देखिए बात करते हैं, आप अगर यहां पर मैं लिख दिया क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्या लिख दिया भाई, इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जिसमें आपकी कंप्लीट मीनिंग होती है और ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। और दूसरा मैं इधर लिख रहा हूं क्या, डिपेंडेंट क्लॉज, क्या लिख दिया मैं, डिपेंडेंट क्लॉज लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, डिपेंडेंट क्लॉज लिख दिया। अब अगर आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बोला जाए, और उसके पहले मैं थोड़ा आगे जाऊंगा, फिर से लौटूंगा यहां से, अगर आपको पता है स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस आपके कितने होते हैं, तीन होते हैं, क्या होते हैं, वो तीन होते हैं। तो पहला आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस होता है, क्या होता है भाई, सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। दूसरा आप लोग क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हैं। और तीसरा आप लोग क्या पढ़ते हैं,
तीसरा आप लोग पढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, उसके बाद क्लॉज का जड़ आप जो आपका डर है वो एकदम खत्म हो जाएगा। अभी देखते जाइए आप, कंपाउंड सेंटेंस है ठीक है। तो यहां पर अगर सिंपल सेंटेंस की बात करते थे तो अगर आपका सेंटेंस ये किसी का बना होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का बना होता है, किसका बना होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का बना होता है। अभी देखिए एक एक चीज क्लियर होगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो आपका एक किसका बना होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, यू आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और एक क्या होगा, और कंजंक्शंस की सहायता से सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होगा, वो किससे, वो आपका होगा एक डिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ा होगा। क्या होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, इससे और कंजंक्शन जो जुड़ा होगा सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होगा। और कंपाउंड सेंटेंस आपका क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों क्लॉज होता है इसमें, क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, दोनों क्लॉज होता है आपका, दोनों आपका होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और कंजंक्शन से जुड़ा होता है, कौन से कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके क्या हो गया, बेसिक हो गया। अगर मैं बात करता हूं इधर, इधर मैं बात करता हूं तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है इसमें केवल और केवल आपको क्या ध्यान देना है, जो सिंपल सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं, जैसे आप लोग जनरली आप जो बोलते हैं, जो कुछ भी आप बोलिए, आई गो टू मार्केट डेली, ये सब जो आप सेंटेंस पढ़ते हो ना, ये आपका कौन सा क्लॉज है, अगर कोई पूछे ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स, एक सेंटेंस तो ही है लेकिन अगर क्लॉज के रूप में बोलना चाहो तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही राइट्स अ लेटर, तो इसको सेंटेंस ही बोल दिया जाता है। और अगर उसको बोलोगे तो ये आपका कंप्लीट मीनिंग दे देता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। लेकिन अगर डिपेंडेंट क्लॉज की बात करोगे, डिपेंडेंट क्लॉज की बात करो, अगर मैं ऐसा केवल बोल दूं, इफ यू वर्क हार्ड, इतना बोल दूं केवल, अब बताओ यदि आप कठिन परिश्रम करोगे और आगे कुछ ना बोलूं, तभी क्या लग रहा है, ये आपका इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, ये अभी आपको लग रहा है कि आगे कुछ और बोलने की आवश्यकता है, अभी और जब तक बोलूंगा नहीं तब तक ये आपका पूरा होगा नहीं, तो आप कहोगे कि यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप क्या बोलना पड़ेगा, तो पास हो जाओगे। तो यहां पर ये आपका जो अगला मैं सेंटेंस लिखा है यहां पे, यू विल पास, तो आप क्या हो जाओगे, आप परीक्षा को पास कर जाओगे, आप परीक्षा को क्या कर जाओगे भाई, वो पास कर जाओगे। तो यहां पर ध्यान रखना कि इफ यू वर्क हार्ड, ये तुम कठिन परिश्रम करोगे, तो अगर कोई पूछे कौन सा क्लॉज है तो कहोगे ये डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि यहां पर ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। और ये कंप्लीट मीनिंग को अगर चाहिए सेंटेंस बनने के लिए, कंप्लीट मीनिंग चाहिए, आप सबको पता है, वो जो सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस आपका तभी कहलाता है जब आपको कंप्लीट मीनिंग मिल जाए। अब ये किस पर डिपेंड करेगा, अब ये डिपेंड करेगा किस पर, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो परीक्षा में आप पास हो जाओगे। तो यहां पर ये डिपेंडेंट क्लॉज था और ये आपका क्या हो गया, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है भाई। तो ये आपको बस एक ही दो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि ढेर सारे क्वेश्चन है जो मैं करवाऊंगा, एक नहीं तो दूसरी बार समझ में आएगा, तीसरी बार में, चौथी बार में, कुछ भी आपको ऐसा करके दो तीन एग्जाम्पल लूंगा। तो और मैं मेरे हिसाब से लगभग मैं 25 क्वेश्चन नियर अबाउट लिया हूं, ठीक है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज में होता कौन कौन है, डिपेंडेंट क्लॉज में होता कौन कौन है, और यही आपको मेन है जो आपसे पूछा जाएगा। डिपेंडेंट क्लॉज में आपका कौन कौन होता है, डिपेंडेंट क्लॉज में आपका कौन कौन होता है, तो पहला आपका होता क्या है, वो आपका होता है नाउन क्लॉज, क्या होता है, नाउन क्लॉज होता है। और दूसरा आपका होता है क्या, एडजेक्टिव क्लॉज, क्या होता है भाई, एडजेक्टिव क्लॉज। अब और तीसरी बात आपको क्या ध्यान देना है, तीसरा जो क्लॉज आपका होता है क्या, वो होता है एडवर्ब क्लॉज। थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए जिस प्रकार से एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ये सब कौन बनता है, एक नाउन बनता है। अरे आपसे अगर पूछूं मैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बनता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है, कहोगे नाउन होता है, नाउन होता है। तो उसी प्रकार से अगर सेंटेंस में एक ऐसा क्लॉज आ जाए, देखिए क्लॉज आए लेकिन उसके पहले क्या है, कौन सा क्लॉज है, नाउन वाला, तो ध्यान रखना अगर नाउन क्लॉज है तो वो अगर नाउन वर्ड अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, तो
तो कॉम्प्लीमेंट बनता है, तो आपका नाउन क्लाज की भी पोजीशन क्या क्या आएगी, वो भी सेंटेंस में कहीं ना कहीं क्या बना बैठेगा, सब्जेक्ट बना होगा, कहीं ना कहीं क्या बना होगा, सब्जेक्ट बना होगा, क्या बना होगा, ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं बना होगा, क्या बना होगा आपका, कॉम्प्लीमेंट बना होगा, क्या बना होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट बना होगा, और आपका क्या होगा, और आपका क्या बना होगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना होगा। ये सब जो बेसिक काम है एक नाउन का, जो आपका एक बेसिक जो काम है एक नाउन का, वही जब पूरा क्लॉज करने लगे, वही आपका क्या हो जाता है, नाउन क्लॉज। ठीक है, क्या हो गया भाई, वही आपका क्या हो जाता है, आपका नाउन क्लॉज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में जाके, तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम यह होता है कि नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में जो एक्स्ट्रा डिटेल को ऐड करना, वो कौन होता है, वो किसका काम होता है, वो एडजेक्टिव का काम होता है। और यही काम अगर पूरा एक क्लॉज करने लगे, क्लॉज का मतलब क्या, जो पूरा जिसके पास सब्जेक्ट है, जिसके पास वर्ब है, वो पूरा का पूरा सेंटेंस ही, वो क्लॉज ही पूरा किसका काम कर जाए, नाउन का, तब वो नाउन क्लॉज, नाउन का काम कर जाए। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, मतलब सब्जेक्ट बन जाए, ऑब्जेक्ट बन जाए, कॉम्प्लीमेंट बन जाए, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाए। और अगर पूरा का पूरा क्लॉज जिसके पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, वो क्या काम कर जाए, वो किसी के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल को ऐड करने का काम कर जाए, वो किसी के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करने का काम कर जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अभी आपको ट्रिक भी बताऊंगा, मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको और आसानी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए एडवर्ब क्लॉज क्या होगा, तो आपको पता है कि जो एडवर्ब होता है वो वर्ब के साथ में कब, कहां, क्यों, कैसे, इस प्रकार का जो जवाब होता है वो कौन देता है, वो आपका एडवर्ब देता है, वो कौन देता है, वो आपका एडवर्ब देता है। ये सबको पता है ना, ये सबको पता, कब, कहां, क्यों, कैसे का जो जवाब आता है वो कौन देता है, वो आपका एडवर्ब होता है। तो उसी प्रकार से एक क्लॉज भी जब कब, कहां, क्यों, कैसे इत्यादि का जवाब देने लग जाए, तो आपका कौन सा क्लॉज हो जाएगा, वो आपका कौन सा क्लॉज हो जाएगा, कहोगे एडवर्ब क्लॉज ही होगा, वो आपका क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ही होगा। अब मैं बात करता हूं पहले नाउन क्लॉज की, किसकी बात करता हूं, पहले नाउन क्लॉज की। अगर नाउन क्लॉज अगर क्या है भाई, नाउन क्लॉज अगर सेंटेंस में, अगर वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना बैठा है, अगर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना बैठा है, तो ध्यान रखना, ये कैसे पता पाओगे, आपको पता लगेगा जब वर्ब के साथ में, क्या, जब वर्ब के साथ में आप किसका क्वेश्चन कर लो, वर्ड का क्वेश्चन कर लो, तो आपको जो भी आंसर मिल जाएगा वो आपको क्या मिल जाएगा, वो नाउन क्लॉज का या तो सब्जेक्ट होगा या तो होगा ऑब्जेक्ट। बेसिकली बस बात यह है मेरे भाई, ठीक है। अब यही तो बात है कि आप लोग पढ़ना, अब आपको चाहिए क्या, क्वेश्चन चाहिए, आपको सीधा क्वेश्चन चाहिए। और आप लोग बात किए गए थे क्लॉज के, अब कुछ कहो क्लॉज में क्वेश्चन तो शुरू कर दूं, बताओ क्वेश्चन लेकर आए, शुरू करें, इस समय पढ़ाएं, बताओ क्वेश्चन करवाएं, सीधा करोगे क्वेश्चन करवाएं। आदित्य आपको लग रहा है कि केवल की सर ये ना पढ़ाइए, अच्छा क्वेश्चन करवाएं, चलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, चलिए बहुत लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चन चाहिए, चलो ठीक है भाई, तो करो क्वेश्चन से सीखो, मुझे क्या, जो आप लोग बोलोगे मैं वही करवा दूंगा, चलिए कीजिए। तो पहला जो आपके पास सेंटेंस है, जो पहला सेंटेंस है, आप लोग बताइए भाई, जो पहला सेंटेंस है, ठीक है, वो आप बताइए, चलिए भाई क्लियर हो जाएगा, सब लोग परेशान ना हो जाएगा, हो जाएगा वंशु, परेशान ना हो, इसी वजह से बोलता हूं ना कि YouTube पे आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, कितना बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा था, लेकिन फिर भी परेशान नहीं होना आपको, मैं सब चीज क्लियर करके ही मानूंगा। चलिए आप लोग बताइए, आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड गो देयर। आपके पास एक क्लॉज है, अब आपको पहचानना है कि आपका ये जो क्लॉज है पूरा, व्हेन से लेकर देयर तक, व्हेन से लेकर देयर तक, अब आप लोग बताइए ये आपका तीन ही क्लॉज पूछेगा, या तो नाउन क्लॉज होगा, या तो आपका कौन सा क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा, या आपका कौन सा क्लॉज होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। अब आप लोग बताइए, आपके पास तीन ऑप्शन है, तीनों में अब जितना भी क्वेश्चन आएगा यहां से, यही तीन ऑप्शन रहेंगे आपके पास, यही तीन ऑप्शन आपके पास रहेंगे, तो आप लोग बताइए भाई। अब देखिए, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हेन ही वुड गो देयर, क्या पूछा, क्या पूछा, तो क्या का उत्तर मिल गया ना, मैंने उससे क्या पूछा। तो अब देखो, अब आप बात करते हो, जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को आप कैसे पता पाते हो, सब्जेक्ट आप कैसे निकालते हो, तो आपको सब्जेक्ट आपको पता है कि वर्ब के साथ में
वर्ब के साथ में वाट का रिप्लाई कर लें या हु का रिप्लाई कर लें, वाट का रिप्लाई कर लें या वाट का क्वेश्चन कर लें, वाट रिप्लाई नहीं भाई क्वेश्चन कर लें, तो जो भी आंसर आपका आता है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है सब्जेक्ट बन जाता है, सबको पता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, बशर्ते अंतर इतना है कि अगर हु से जवाब आया तो आपका क्या हो जाता है लिविंग सब्जेक्ट होता है, क्या होता है लिविंग सब्जेक्ट होता है, क्या होता है भाई लिविंग सब्जेक्ट होता है। वाट से अगर क्वेश्चन अगर आंसर आए तो जो आपका सब्जेक्ट बनता है वो आपका कौन मिलता है, वो नॉन लिविंग होता है, कौन होता है वो नॉन लिविंग होता है। और यहां पर ऑब्जेक्ट के बारे में क्या ध्यान देना है, और अगर आपको ऑब्जेक्ट के पूछे तो वर्ब के साथ में, वर्ब के साथ में होम का रिप्लाई और वर्ब के साथ में, और वर्ब के साथ में किसका रिप्लाई भाई वाट का रिप्लाई से जो आंसर मिलता है वो आपका क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट बनता है, क्या बनता है वो ऑब्जेक्ट बनता है। अंतर इतना सा है जो होम का रिप्लाई देता है वो आपका लिविंग 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 ऑब्जेक्ट होता है, लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, और जो आपका वर्ब के साथ में वाट का रिप्लाई देता है वो आपका कौन सा होता है ऑब्जेक्ट होता है, वो आपका होता है मेरे भाई नॉन लिविंग का ऑब्जेक्ट होता है, किसका ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग का ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए आपके अंदर जो कितना पेशेंस है यही चेक होने जा रहा है, ठीक है। अगर आप बेहतरीन सीखोगे, आपको आप बेहतरीन सीखना चाहते हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम देकर जाओगे तो इस बात की एकदम गारंटी है कि मैं क्लास एकदम आपको सिखा के ही मानूंगा आज, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट या हो ऑब्जेक्ट, या हो ऑब्जेक्ट, अगर कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका क्या कोई बना बैठा हो, या कोई क्लॉज बना हो, या कोई क्लॉज बना हो, या कोई फ्रेज बना हो, क्या बना हो फ्रेज बना हो, ये भाई अलग अलग लेवल पे मैं आपको लैंग्वेज को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ये सब चीजें आपकी आसान चीजें नहीं, मुझे भी पता है, ठीक है। इस वजह से आप लोगों को डिमांड है क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो ये सब चीजें तो थोड़ा स्टैंडर्ड इंग्लिश है, ये थोड़ा इसको अपने आप को लेवल थोड़ा समझ बढ़ाना पड़ेगा तब चीजें थोड़ा समझ में आएंगी, लेकिन ऐसा मैं कुछ नहीं बताऊंगा जिससे आपको समझ में ना आए, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको मैं बोल रहा हूं कि अगर कहीं सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है कोई एक क्लॉज मिले या कोई फ्रेज मिले, तो ये हमेशा ध्यान के चलना, अगर आपको रिप्लाई के रूप में चाहिए तो वर्ब के साथ में, वर्ब के साथ में किसका रिप्लाई मिलेगा, वाट का ही रिप्लाई देगा, ये वाट का ही रिप्लाई देगा। और सेम चीज आपको ध्यान रखना क्या है, अगर ऑब्जेक्ट भी अगर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट भी आपका कोई क्या मिल जाए, आपका क्लॉज मिल जाए या क्या मिल जाए आपका कोई फ्रेज मिल जाए, तब भी रिप्लाई आपको क्या मिलेगी, और तब भी रिप्लाई आपको अगर पहचानना हो तो वर्ब के साथ में वाट का ही रिप्लाई होगा। तो आपको समझना क्या है, अगर नाउन क्लॉज चाहे सेंटेंस के रूप में आए, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में आए, और चाहे आए ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के साथ में अगर क्या का रिप्लाई मिल जाए, अगर क्या का रिप्लाई मिल जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका नाउन हो जाएगा। अब देखो यहां पे, आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड गो देयर, मैंने उससे पूछा, क्या पूछा, क्या पूछा, तो उत्तर जवाब किसका आ रहा है, क्या कह रहा है, कि मैंने उससे क्या पूछा कि वह वहां कब जाएगा, वह वहां कब जाएगा, तो ये कहोगे जो आपका ये क्लॉज जो आया था वो किसका रिप्लाई दिया, मैंने उससे पूछा, क्या पूछा, क्या पूछा, तो कहोगे वह वहां कब जाएगा, यह पूछा, तो किसका रिप्लाई है, क्या का रिप्लाई है, अगर ये क्या का रिप्लाई है तो आपका जो आंसर आ जाएगा, ये कौन सा क्लॉज था, ये आपका जो क्लॉज था वो नाउन क्लॉज था। अब आप लोग बता दो मजा आया कि नहीं मजा आया, एक बार बता दो, इतना मेहनत मेरी सफल हुई कि नहीं सफल हुई, ये पहला क्वेश्चन अभी है, ये अभी पहला क्वेश्चन है, एकदम मजा आया कि नहीं मजा आया, बस इतना बताओ केवल। और अभी जिसको समझ में ना आए ना, तब भी परेशान मत होना, आपको मैं सिखा के ही मानूंगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब तक आएगा नहीं, तब जब तक आप लोग बोलोगे नहीं कि नहीं आया, तब तक मैं मानूंगा ही नहीं, तब तक मैं मानूंगा ही नहीं। अब बताओ आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, ट्रिक मेरा शुरू होता है। अब देखो ट्रिक क्या है, अब मेरा ट्रिक यह है कि आपको जो पूछ बताना है, व्हेन ही विल कम, ध्यान रखना आपको बताना है, फिर से बताओ ये कौन सा क्लॉज है, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, कि वह कब आएगा। अब बताओ, मैं उस समय को जानता हूं, तो व्हाट काइंड ऑफ टाइम,
व्हाट काइंड आपका रिप्लाई अगर जो होता है वो आपका होता है एडजेक्टिव होता है। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, अगर आपका एडजेक्टिव क्लॉज लगा है, अगर आपका मेरे भाई, अगर आपका एडजेक्टिव क्लॉज लगा है, एडजेक्टिव क्लॉज लगा है, तो इसके पहले जो नाउन आया हुआ होगा, उसके पहले जो नाउन आया हुआ होगा वो सर्टेनली उसके पहले आर्टिकल द का यूज हुआ होगा। उसके पहले क्या लगा होगा? आर्टिकल द लगा होगा। और इसी नाउन के बारे में, और इसी नाउन के बारे में आपको ये क्लॉज बता रहा होगा, तो ये बता दो कि आई नो द टाइम, मैं उस समय को जानता हूं। व्हाट काइंड ऑफ टाइम, किस प्रकार के समय को मैं जानता हूं, कि वह कब आएगा, कि वह कब आएगा, तो ये बता दो भाई, वो बता दो भाई, ये क्या आप इस टाइम के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है, इस टाइम के बारे में बता रहा है नहीं बता रहा है। अगर इस टाइम के बारे में बता रहा है, मैं उस टाइम को जानता हूं कि वह कब आएगा, तो आप लोग बताओ आप क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब लोग बताओ एडजेक्टिव होगा कि नहीं एडजेक्टिव होगा। इसी वजह से मैं बेसिक में फंडामेंटल, जब आप लोग जो लोग मुझसे पढ़े हो, जो मैं फंडामेंटल की वीडियो में कम से कम 20 वीडियो लगभग उसमें अपलोड किया हूं, फ्रेज क्लॉज एक एक को लेकर, एक एक वर्ड को लेकर, किस लिए करता था, आपसे बताता था ना, अगर आप नाउन, अगर आप लोग को नाउन यूज करना, नाउन के लिए अगर आपको एडजेक्टिव यूज करना है, तो ध्यान रखना आज के बाद से गलती नहीं होनी चाहिए। अगर नाउन के पहले, अगर आपका एडजेक्टिव जो है एक शब्द का है, अगर आपका क्या है भाई एडजेक्टिव जो है अगर एक शब्द का है, तो प्रयास कीजिए कि प्रयास क्या करना है, आपको कहां रखना है, नाउन के पहले रखा जाता है। अगर आपका एडजेक्टिव नाउन के पहले है, अब एक शब्द का है सॉरी, तो आप एडजेक्टिव को इसके पहले लिखिए। लेकिन अगर आपका एडजेक्टिव जो नाउन के लिए आया है वो अगर क्या है, एक फ्रेज है, या फ्रेज के रूप में एडजेक्टिव आया है, या क्लॉज के रूप में एडजेक्टिव आया है, तो ये 100% तय है कि इसके पहले नहीं आएगा, इसके बाद में आएगा। क्या आएगा भाई? यहां पर एडजेक्टिव फ्रेज आएगा, या आएगा क्या, एडजेक्टिव क्लॉज आएगा। क्या आएगा? एडजेक्टिव क्लॉज आएगा। क्या जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज आएगा। और चीज ध्यान रखिए, अगर ये चीज आपका एडजेक्टिव क्लॉज आएगा और इसके बारे में अगर ये विशेषता बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है, इसका मतलब इसके पहले आर्टिकल द जरूर आएगा, क्योंकि स्पेसिफिक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? स्पेसिफिक हो जा रहा है, इसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा डिटेल को एड कर रहा है। क्लियर हो गया भाई? सभी को क्लियर हो गया? अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्या है, 53। ये सब टॉपिक सबके बस की बात नहीं होती पढ़ना। आप देखिए, जब मैं इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तो टोटल लाइव थे लगभग 60। अभी और क्लियर होगा वंशु? ठीक है, अब देखो अब लाइव कितने आ गए, 40-35। तो ये चीज है, और इंग्लिश सबको सीखना है, इंग्लिश सबको सीखना है। थोड़ी सी अगर कॉम्प्लेक्स आपको कॉन्सेप्ट बताया जाए ना, आप लोग हिलना डुलना शुरू हो जाते हो। अब कहते हो मुझे इंग्लिश नहीं आई, कहते हो मुझे इंग्लिश नहीं आई, सर पैसेज पढ़ा दीजिए, जब तक क्लॉज सही से नहीं आएगा ना पहचानना, आप लोग नहीं पढ़ पाओगे सही से, आपकी रीडिंग नहीं आएगी सही से। आप बताइए, ही विल गिव मी मनी व्हेन आई गो टू मुंबई, ठीक है, अब देखिए वही मेरा तरीका अपना लो आप, ही विल गिव मी मनी, वह मुझे पैसा देगा, व्हेन ही आई गो टू मुंबई, कब पैसा देगा, कब पैसा देगा, कब पैसा देगा, जब मैं मुंबई जाऊंगा, ही विल गिव मी मनी, वह मुझे पैसा देगा, व्हेन आई गो टू मुंबई, यही क्लॉज आपको पहचानना है, तो वह कब मुझे पैसा देगा, कब, कब पैसा देगा, तो कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या होता है, एडवर्ब होता है कि नहीं होता है, बता दो एक बार तो, एडवर्ब होता है कि नहीं होता है, एडजेक्टिव कैसे होगा, अभी एडजेक्टिव की और एग्जांपल में ले रहा हूं, कैसे होगा भाई, क्या होगा, ही विल गिव मी मनी, वह मुझे पैसा देगा, कब पैसा देगा, तो आई गो टू, जब मैं मुंबई जाऊंगा तब पैसा देगा, तो कब, कहां, क्यों, कैसे का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है। अगर एक नाउन के बारे में बताए, जैसे मैं उस टाइम को जानता हूं, जैसे यहां पर क्या था भाई, यहां पर क्या था, मैं उस टाइम को जानता हूं, किस टाइम, क्यों, व्हाट काइंड ऑफ टाइम, इसी टाइम के बारे में, टाइम आपका नाउन है, इसी नाउन के बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है कि वह कब आएगा, मैं उस टाइम को जानता हूं, तो टाइम नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर रहा था, इस वजह से यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 54। आई शैल नॉट टेल यू, मैं आपको नहीं बताऊंगा, वेयर ही लिव, वह कहां रहता है, अब बताओ, अब आप बताओ, अब आप बताओ, मैं आपसे क्या नहीं बताऊंगा, मैं आपसे क्या नहीं बताऊंगा, तो कहो क्या का रिप्लाई हो गया, मैं आपसे क्या नहीं बताऊंगा, ना ना आकाश, ना ना, ये तो बात है, मैं आपसे क्या नहीं बताऊंगा, तो कहोगे क्या नहीं बताऊंगा, तो कहोगे कि वह कहां रहता है, तो क्या नहीं बताओगे,
वह कहां रहता है मैं यह नहीं बताऊंगा। तो किसका रिप्लाई हो गया, क्या कहा, वो कहां रहता है, वह कहां नहीं, मैं कहां का जवाब नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं वह कहां, कैसे एडजेक्टिव आपको नजर आ रहा है, मैं पूछ रहा हूं कि आई शैल नॉट टेल यू, मैं आपसे नहीं बताऊंगा, क्या नहीं बताऊंगा, क्या नहीं बताऊंगा, तो किसका जवाब है ये कि वह कहां रहता है, कहां का रिप्लाई नहीं है, कहां का रिप्लाई नहीं है, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि वह कहां रहता है ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे नहीं बताऊंगा। अब ये वर्ब क्या है, टेल है, अब इससे जो ऐड कीजिए ना, क्या नहीं बताऊंगा कि वह कहां रहता है, क्या नहीं बताऊंगा वह कहां रहता है, और क्या करीब भाई आपका क्या होता है, कहोगे नाउन क्लॉज होता है, क्या होता है, नाउन क्लॉज होता है। अब बताओ सभी को क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, अब बताओ भाई क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, ठीक है, अब क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ढेर सारे क्वेश्चन है, सब क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए, आई शैल गो टू द प्लेस, आई शैल गो टू द प्लेस वेयर माई फ्रेंड लिव्स, आई शैल गो, मैं उस प्लेस पर जाऊंगा, किस प्लेस पे, जहां पर मेरा फ्रेंड रहता है, जहां मेरा फ्रेंड रहता है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस, व्हाट काइंड ऑफ टाइम। अब देखिए आर्टिकल द आया, इसके बाद में नाउन आया, आपको क्या बताए थे, आर्टिकल द लगा होगा और बाद में क्या लगा होगा, नाउन, और बाद में क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज जाएगा, क्या जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज जाएगा। क्यों एडजेक्टिव क्लॉज है यहाँ पे, क्यों एडजेक्टिव क्लॉज है यहाँ पे भाई, एडजेक्टिव क्लॉज आपका इस वजह से है क्योंकि क्या कर रहा है, इस प्लेस, इस स्थान के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल को एड कर रहा है। अब बताओ सभी को एकदम क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, आप लोग बताओ भाई, वंशु बताओ, आप बताओ कहां गई वंशु, वंशु बताओ अब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, सब लोग बता दो भाई, अब बताओ जो भाग रहे थे सब लोग, अब बताओ क्लियर हो गया, सब लोग बताओ क्लियर हो गया, सर बढ़िया से एकदम। तो कहोगे आई शैल गो टू द प्लेस, मैं उस स्थान पर जाऊंगा, तो व्हाट काइंड ऑफ प्लेस, कौन सा स्थान, जहां पर मेरा मित्र रहता है मैं उस स्थान पर जाऊंगा, ठीक है, तो कौन सा प्लेस, तो प्लेस के बारे में, प्लेस के बारे में बता रहा है, प्लेस आपका है नाउन, ठीक है, प्लेस आपका है नाउन, और इस नाउन के बारे में जो बता दे, और नाउन के बारे में जो बताने वाले वर्ड होते हैं वो एडजेक्टिव होता है, और अंतर इतना है, एडजेक्टिव अगर आपका एक शब्द का है तो, एडजेक्टिव अगर आपका एक शब्द का है तो आपको उसके पहले लिखना है, और एडजेक्टिव अगर आपका ग्रुप ऑफ वर्ड के रूप में है तो आपको एडजेक्टिव उसके नाउन के बाद में लिखना है। देखिए आदित्य, आपने बताया था कि थ्योरी मत पढ़ाइए, अब आप फिर कह रहे हो कि सर एक बार और बताओ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिया कीजिए, मैं आपसे ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है, बाकी क्वेश्चन ढेर सारे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 56, आई शैल गो वेयर माई फ्रेंड लिव्स, मैं जाऊंगा, अब देखिए मैं जाऊंगा वेयर माई फ्रेंड लिव्स, कहां जाऊंगा, ना ना इंडियन एयरफोर्स, अब कहां गलती होगी आपसे, अब तो सबका आंसर सही आना चाहिए, वंशु का आंसर सही आ गया, फ्रॉम चंबा का आंसर भी सही आ गया, नेवर गिव अप एडवर्ब होगा, बहुत सही, अभिषेक तिवारी मेरे भाई एडजेक्टिव कहां होगा, एडजेक्टिव कहां होगा, मैं कहां जाऊंगा, कोई प्लेस नहीं दिया है जो आप एडजेक्टिव बता रहे हो, मनु कैसे एडजेक्टिव हो जाएगा, आप खुद बता दो एक बार, कैसे एडजेक्टिव हो जाएगा, किस नाउन के बारे में बता रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका एडजेक्टिव क्लॉज आएगा, मैं कह रहा हूं अगर आपको एडजेक्टिव क्लॉज आएगा, ट्रिक कितना आसान है देखो, तो उसके पहले जो नाउन आएगा लगभग आप ध्यान रखिए आर्टिकल आया लगा होगा, ठीक है, आई नो द प्लेस, आई नो द टाइम, ये सब लगा था कि नहीं है, जो क्वेश्चन आया अभी आगे आएगा भी, तो यहां पे कहां पे आप देखिए, आप बताओ कि कोई आपका कोई लोकेशन है नहीं कि वह कहां रहता है, मैं उस प्लेस पे जाऊंगा जहां मेरा फ्रेंड रहता है, पिछली बार में ये था, आई शैल गो टू द प्लेस, मैं उस जगह पे जाऊंगा जहां मेरा फ्रेंड रहता, तब तो बोलते हैं आपकी एडजेक्टिव क्लॉज होगा, लेकिन मैं जाऊंगा फिर वेयर माय फ्रेंड लिव्स, तो मैं कहां जाऊंगा, तो जहां पर मेरा मित्र रहता है। अब बताओ क्लियर हो गया भाई, नहीं नहीं आकाश सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लेता है एक दो क्वेश्चन, कभी कोई पूछ लेता है। अब क्लियर हो गया आपसे, एक सभी का क्लियर है, एक बार मुझे बता दो सभी का क्लियर है, एकदम बताओ सही से, तरीका कैसा लगा, जो क्लास चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर होता है, एक बहुत टाइम लेता हूं,
अगर आपका फंडामेंटल होगा बहुत, आपका एक एक रोल दिखाता आपका सब्जेक्ट कैसे होगा, कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, कैसे कॉम्प्लीमेंट बनेगा, कैसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, कैसे किसी ने पोजिशन बनेगा, एक एक एग्जाम्पल ढेर सारे एग्जाम्पल में लेता ना सर बेन, बिल्कुल कठिन नहीं है, कहां कठिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट अभी देखो सब क्वेश्चन करोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आई डोंट नो इफ ही विल कम, मैं नहीं जानता हूं कि वह आएगा, बताओ, मैं नहीं जानता हूं, क्या नहीं जानता हूं, बहुत सही आंसर आना सबका शुरू हो गया। अरे मेरे भाई जाट, कहां आर्टिकल दा लगा है नाउन के पहले, जब जहां बाद में आपको कहीं एडजेक्टिव मिल जाए, आप बताओ जाट भाई, सबका नाउन आ रहा है जो कि सही है, और नेवर गिव अप मेरे भाई, जो कुछ भी हो आप, वो आप एडजेक्टिव कैसे बता सकते हो, क्या होगा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, अब क्या नहीं जानता हूं कि वह आएगा, क्या नहीं जानता हूं कि वह आएगा भी कि नहीं आएगा, तो क्या कहीं पाई मिला ना, नो वर्ब है, और वर्ब के बाद में सीधा बताओ कौन आता है भाई, यही समझो तुम, वर्ब के बाद में कौन आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन क्लॉज करता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज, इतना बताओ मुझे बस, आपको अलग तरीके से बता रहा हूं। अरे भाई जो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट बनता है तो कौन सा क्लॉज आएगा, ऑब्जेक्ट बनने का कौन सा क्लॉज काम करता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या आपका एडवर्ब क्लॉज, बताओ भाई जल्दी, सब लोग बताओ, नाउन क्लॉज करता है ना, तो वर्ब के बाद में नो, आई डू नॉट नो, अब क्या का रिप्लाई, क्या का रिप्लाई, कौन सा क्लॉज देता है, नाउन क्लॉज देता है, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई कौन सा क्लॉज देता है, एडजेक्टिव क्लॉज देता है, कि आपका नाउन किस टाइप का है, नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, आपका क्या का रिप्लाई मिल गया, वो आपका आपका नाउन क्लॉज मिल गया, और कब कहां क्यों कैसे का रिप्लाई मिल जाए वो आपका एडवर्ब हो जाएगा। आप सेंटेंस को पढ़िए, कॉन्टेक्स्ट पे आइए और चीज सब कुछ बता ले जाइए आप, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो क्या होता है, 58 है आपके पास, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, आप यू विल पास, आप पास हो जाओगे इफ यू वर्क हार्ड, अब बताओ 58 नंबर क्वेश्चन बताओ, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तुम पास हो जाओगे, कहां, बहुत सही यार, अब देखो सबका आ गया, कब पास हो जाओगे, जब अरे भाई आकाश कुमार गुप्ता, वो नाउन आपको कहां से लग रहा है, यू विल पास, आप पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे, कब पास हो जाओगे, जब तुम कठिन परिश्रम करोगे, जब तुम कठिन परिश्रम करोगे तो क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, कब पास हो जाओगे, कब पास हो जाओगे, तो जब कठिन परिश्रम करोगे। तो अगर वर्ब के बाद में क्या का रिप्लाई मिले, वर्ब के बाद में क्या का रिप्लाई मिले, तो नाउन क्लॉज, और वर्ब के बाद में और अगर आपका कब कहां क्यों कैसे का रिप्लाई मिले तो आपका एडवर्ब क्लॉज, आपका क्या हो सकता क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, बिल्कुल सही है, सभी का क्लियर है। अब सरबीन बताओ आप क्लियर है, अब तो नहीं कठिन लग रहा है भाई, राजन पांडे एडवर्ब, बहुत सही मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 59, आई डू नॉट नो हु केम हियर लास्ट नाइट, मैं नहीं जानता हूं कि कौन यहां पिछली रात को आया, आप बताओ, मैं नहीं जानता हूं कि कौन पिछली रात को आया, बताओ भाई जल्दी जल्दी बताओ सब लोग, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल सही वंशु, नाउन होगा, सभी का सही है, सब सब लोग सही हो, तो क्या बोलोगे, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, क्या नहीं जानता हूं, क्या नहीं जानता हूं, कौन आया पिछली रात, मैं ये नहीं जानता हूं, तो क्या नहीं जानता हूं, तो भाई क्या नहीं जानता हूं, क्या नहीं जानता हूं, तो जो आपका रिप्लाई मिला क्लॉज का पूरा वो आपका क्या बन गया, इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कौन सा क्लॉज बनता है, वो आपका नाउन क्लॉज बनता है, कौन बनता है आपका, वो नाउन क्लॉज बनता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा मेरे भाई, मेरे भाई क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। अब अगला बता दो, अब सब कुछ बता ले जाओगे आप। 60 नंबर क्वेश्चन, आई नो द बॉय हु केम हियर लास्ट नाइट, देखिए कितना कितना सा डिफरेंस है, छोटा छोटा डिफरेंस है, आप लोग बस वही से क्वेश्चन आपसे गलती कर ले जाते हो, अब बता दो, आई नो द बॉय हु केम हियर लास्ट नाइट,
एडजेक्टिव एडजेक्टिव, बहुत सही, बहुत बेहतरीन, अब तो मजा आ गया ना, अब तो सबका सही है, आप कुछ मत बोलना भाई। मैं किसे जानता हूं? दा बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, मैं उस लड़के को जानता हूं जो कल रात यहां आया। मैं किसे जानता हूं? मैं लड़के को जानता हूं, लेकिन मैं उस लड़के को जानता हूं। व्हाट काइंड ऑफ बॉय, कौन सा लड़का है? लड़के तो ढेर सारे हैं, लेकिन कौन सा लड़का? मैं उस लड़के को जानता हूं जो यहां आया पिछली रात, जो यहां आया पिछली रात। तो आपका क्या हो जाएगा? वो आप बताओगे इस लड़के के बारे में, क्या एक्स्ट्रा डिटेल को ऐड कर दिया कि नहीं ऐड कर दिया, ऐड कर दिया कि नहीं ऐड कर दिया। तो कहोगे क्या हो जाएगा वो, आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? वो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। सर क्या बताएं आपके बारे में, लव यू सर जी। क्या भाई बता दो, क्या बताना चाह रहे हो बता दो आप, नहीं बता दो बता दो, आप जो भी आपके दिमाग में चल रहा बता दो, मैं जानना चाह रहा हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, मजा आया भाई सभी को? अब देखिए आपसे मैं 5 मिनट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हूं, जबकि क्लॉज का जो पूरा आपका जो बेसिक है ना वो बहुत लेंदी जाएगा, बहुत लेंदी पढ़ाता हूं मैं, एक एक चीज में एक्सप्लोर करके पढ़ाता हूं। हाँ, जिसमें नाउन के पहले आर्टिकल दा लगा हो, बाकी क्लॉज उसको आपको क्या कर जाए उसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर दे। यस सर, आपने बहुत अच्छा समझाया, आपके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है सर। अच्छा भाई, योर क्लास इज ऑसम, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग सर, ये बस आपका प्यार ही है सर। एकदम पहले ये कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होता था, पर आज कोई भी डाउट नहीं है। जब फ्रेज और क्लाज आप मुझसे पढ़ोगे पूरा डिटेल, अभी तो कुछ नहीं है मेरे भाई, ये अभी ये कुछ नहीं है। पेड में जो पेड जो स्टूडेंट होंगे मेरे, वो फ्रेज को बहुत मजेदार तरीके से पढ़े होंगे, जो मेरा पेड क्लास लिया है एयरफोर्स वाला, जो मैं वहां बेसिक फंडामेंटल दिया हूँ क्लाज का और फ्रेज का। जो लोग जुड़े होंगे एक बार बताएंगे, आप अपना रिव्यू दीजिए, जो लोग पूरा फंडामेंटल किए हैं 18 से 20 क्लास में दिया था, बहुत मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस आप लोग ऐसे प्यारा बनाए रखो भाई, सब कुछ मैं बहुत बेहतरीन करूंगा, बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए। इंग्लिश का जो डर है एकदम, ये देखो चीजें थोड़ा सा मुझे पता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होता है सब। ठीक है, तो यस सर मैं लिया हूं, बेस्ट है। ठीक है, एंटोनिम्स में इतना हार्ड क्वेश्चन आता है? नहीं, सोनू परेशान ना हो, सब कुछ होगा भाई, चलो क्लियर हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 61 है। आई नो द मैन हुम एवरीबडी लाइक, मैं उस आदमी को जानता हूं जिसे जिसे एवरीबडी लाइक, जिसे सभी लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। आप लोग बताओ भाई क्या बात है। मैं किसे जानता हूं? मैं उस आदमी को जानता हूं। आदमी ढेर सारे हैं दुनिया में, आदमी दुनिया में ढेर सारे हैं, लेकिन मैं किस टाइप के आदमी को जानता हूं? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, मैन को जानता हूं जो जो जिसे जिसे एवरीबडी लाइक करते हैं, जिसे सभी लोग पसंद करते हैं। तो सभी का आंसर क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। आई डू नॉट नो होम सीज टीचिंग, सब लोग बताना। अब अच्छा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं होम सी इज टीचिंग, कि वह किसे टीच कर रही है, वह किसे पढ़ा रही है। बताओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 62 बताओ। अरे वाह वाह, क्या बात है भाई, नाउन नाउन नाउन। अभी कुछ लोगों को एडवर्ब लग रहा है, शिवांश कैसे आपको एडवर्ब लग सकता है, सोचने वाली बात जरा ये है। तो जरा देखिए फिर से बता रहा हूं मैं, नाउन नाउन नाउन, बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, सुपर सुपर, ये हुई ना बात। जब मेहनत करता है टीचर और बेहतर जब आउटकम आने लगता है ना, तो वही चीज होता है ना कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, तो आपने दिल गार्डन गार्डन कर दिया भाई। ठीक है, देखिए, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, क्या नहीं जानता हूं, क्या नहीं जानता हूं कि वह किसे पढ़ा रही है, ये नहीं जानता हूं, ये नहीं जानता हूं कि वह किसे पढ़ा रही है। बताओ भाई अब एकदम क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, एक बार बता दो मुझे। मैं क्या नहीं जानता हूं, मैं क्या नहीं जानता हूं कि वह किसे पढ़ा रही है, बताओ अब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो जो लोग एडवर्ड मेरे भाई लोग बताए हो, अब आप बताओ, अब तो गलती नहीं करोगे ना आप।
आकाश मेरे भाई, अब तो गलती नहीं करोगे ना? ज्यादातर तो लोगों का नेट खत्म हो चुका है, ठीक है। और ये राजन पांडे मेरे भाई, आपका भी आंसर है, स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन गलत हुआ था, क्या आप समझ पाए? सब लोग बता दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। आई कैन नॉट से हुज बुक दिस इज, मैं नहीं कह सकता हुज बुक दिस इज। अब आपको मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगा, हिंदी पढ़ूंगा तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक भाई, ठीक सर, आप पढ़ा रहे हैं, क्लियर होना ही है सर जी। अच्छा सुधांशु, ये भी बात है, बहुत सही। नाउन नाउन नाउन, वाओ वाओ, अब तो मजा ही मजा है। मैं बहुत खुश हूं आज, तबीयत मेरी खराब थी, फीवर था जब क्लास ले रहा था, दर्द बहुत था, ठीक है। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते, और मैं और तुम दोनों मिलके क्या हो गए, हम हो गए। और हम हो के हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, क्लास को समझ लिया, बहुत अच्छे समझ लिया, अब आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है भाई, है ना क्लियर? तो मैं क्या नहीं कह सकता हूं कि यह किसकी बुक है, क्या नहीं कह सकता हूं, क्या क्या कि यह किसकी बुक है, या नहीं कह सकता हूं। तो 63 आप बताइए, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, है 64। 64 नंबर, आई हैव इनवाइटेड माई फ्रेंड्स हुज पेरेंट्स आर इन इंडिया। अब बताओ, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आई हैव इनवाइटेड, नीरज भारती, लव यू मेरे भाई, लव यू सभी को, लव यू। अब जरा थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है आपको, देखिए ध्यान से। आई हैव इनवाइटेड माई फ्रेंड, मैंने इनवाइट किया है मेरे फ्रेंड को, मैंने इनवाइट किया है मेरे फ्रेंड को, किस फ्रेंड को? जिसके पिताजी, जिसके माता पिता कहां रहते हैं, कहां रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। आकाश शर्मा, बिल्कुल सही है। हो जाएगा आपका कौन सा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, सब लोग रटे थे कि दादा, मैं कहा जनरली आता है, मैं क्या क्या बोला? जनरली आता है। ध्यान रखना, आपका क्या है? फ्रेंड, फ्रेंड। ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। इसके अगर आपके बाद, इसके बाद में क्या आ गया? एडजेक्टिव क्लॉज। क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। अब देखो कैसे, क्या आपको समझना है? तो ये क्या हो गया? आपको द आर्टिकल आएगा, या तो क्या आ जाएगा, क्या? डिटरमिनर आ जाएगा। क्या जाएगा भाई? डिटरमिनर आ जाएगा। अब देखो, अगर आई हैव इनवाइटेड माई फ्रेंड, अब आपको मैं एक ट्रिक ट्रिक बता रहा हूं जो आपको कंफ्यूज करने लगे। हु आए, हु जाए, हुम आए, ठीक है। हु आए, हु जाए, हुम आए। हु मतलब कौन, हु मतलब कौन, हुज मतलब किसका, किसका, और हु मतलब किसे, किसे, ठीक है। और हु मतलब जो, हु मतलब भी क्या होता है? जो होता है। हुज मतलब क्या होता है? जिसका। हु मतलब क्या होता है? जिसका। और हु मतलब क्या होता है? जिसे। तो कौन, किसका, किसे, अगर आपको हु में आप, अब देखिए कितना अच्छा अच्छा तरीका है, कोई बात नहीं। देखो तरीका तो देखो आदित, मजा ना आए तो फिर बोलना। फिर हुम एक मतलब बताता है कौन, क्या बताता है? कौन। हुज मतलब क्या होता है? किसका। हु मतलब क्या होता है? किसे। और एक मतलब क्या होता है हु का? जो। हु का मतलब एक क्या होता है? हुम का। हुज का मतलब क्या होता है? जिसका। हुम का मतलब क्या होता है? जिसे। जब हु का मतलब, हुज का मतलब, हुम का मतलब कौन, किसका, किसे आ जाए, तो ये आपका क्लॉज हो जाएगा नाउन क्लॉज। क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज। और जो, जिसका, जिसे आ जाए, तो 100% क्लियर हो जाएगा आपका कौन सा क्लॉज हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। 100% एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा भाई आपका? क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। अब ये तरीका लगाओ, तो मुझे आप तरीका अप्लाई करो। आई हैव इन्वाइटेड माई फ्रेंड, मैंने इन्वाइट किया है मेरे मित्र को, अपने मित्रों को मैं इनवाइट किया हूं। और किस प्रकार के मित्रों को? जिसके पेरेंट्स, जिसके पेरेंट्स। तो हुज मतलब क्या हुआ? किसका, कि जिसका, या जिसके? बताओ, किसका या जिसका या जिसके, क्या हो जाएगा? कहोगे मैंने उस फ्रेंड को इनवाइट किया है जिसके माता पिता कहां रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। तो ध्यान रखना, आज के बाद से लाजवाब तरीका है कि हु जो हुम, अगर कौन, किसका, किसे का रिप्लाई करे तो नाउन क्लॉज, और हु जो हुम से अगर जो, जिसका, जिसे का रिप्लाई मिले तो एडजेक्टिव क्लॉज। बहुत लाजवाब और धमाकेदार तरीका है, इसको दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा, गलती नहीं होगी। अब आप बताइए, अब आप लोग बताइए, अब गलती तो नहीं होगी आपसे, अब गलती तो नहीं होगी मेरे भाई, अब आप गलती तो नहीं करोगे?
आप बताओ, अब आप बताओ, अगर आप पिछले क्वेश्चन की बात करो, मैं अगर आप पिछले क्वेश्चन की बात करो, आई कैन नॉट से हुज किसकी बुक है, तो हुज मतलब क्या आया था, हुज मतलब किसका आया ना, हुज मतलब यहां पर किसका आया, अगर किसका आया तो कौन सा क्लॉज हो गया, कौन सा क्लॉज हो गया भाई, कौन सा क्लॉज हो गया, हुज यहां किसका आया था कि जिसका आया था, तो आई कैन नॉट से मैं नहीं कह सकता हूं कि यह बुक किसकी है, किसकी, हुज मतलब किसकी, तो नाउन क्लॉज, और यहां पे जिसके माता पिता, तो आज को ये चीज पता ही नहीं था, पता ही नहीं था कि हुज मतलब किसका, आओ कभी कभी क्या होता है जिसका होता है, तो जब आप लोग पढ़ो और जब किसका आ जाए तो नाउन क्लॉज, और जिसका आ जाए तो आपका एडजेक्टिव क्लॉज, हु मतलब अगर कौन आ जाए तो नाउन क्लॉज, हु मतलब जो आ जाए तो एडजेक्टिव क्लॉज, हु मतलब अगर किसे आ जाए, किसको आ जाए तो आपका नाउन क्लॉज, और हु जो अगर अगर आपका हुम अगर हो गया तो जिसे के साथ में आ जाए तो आपका एडजेक्टिव क्लॉज। रामबाण तरीका है, पैनासिया है, बता दो भाई अब आग लगी कि नहीं लगी, अब आग लगी कि नहीं लगी, बताओ भाई, अब आप बताओ, अब आप बताओ, अब आप बताओ भाई, अब एकदम मजा आया कि नहीं मजा आया, एकदम मजा आया कि नहीं आया, ढेर सारे क्वेश्चन है, एकदम क्लियर कर लो सब लोग, सब लोग क्लियर कर लो। डू यू नो विच हिज हाउस इज, क्या आप जानते हो कि उसका घर कौन सा है, अब बताओ, विच मतलब कौन, और विच मतलब जो अगर होता तो आप बोलते जो, जा अगर आए, देखिए आपका ये तरीका है, जा अगर आए एडजेक्टिव क्लॉज, जा अगर आए एडजेक्टिव क्लॉज, का अगर आए तो नाउन क्लॉज, बस यही तरीका रख लीजिए आप अपने पास, नाउन क्लॉज, क्या नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव अगर अगर जो आ जाए तो क्या हो जाएगा, जा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है भाई, क्या हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ना थके हैं पाव हमारे ना ही हिम्मत हारी है, अभी तो देखी है जमी, अभी तो आसमां बाकी है, अभी तो आसमां बाकी है। ठीक है भाई, बहुत सही भाई, बहुत सही सरबीन, बहुत सही, क्लियर हो गया, अब मजा आया ना, ये तरीका था जो आपको बताना चाह रहा था। तो आप क्या जानते हो कि अब तो करेक्ट आंसर सबका हो जाएगा नाउन, क्या हो जाएगा भाई, नाउन क्लॉज हो जाएगा। ये ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको बहुत कम वीडियोज आपको मिलती है, ये ऐसा ही टॉपिक है, ये ऐसा ही टॉपिक है जिस टॉपिक से आपको बहुत ही कम वीडियो आपको अपलोड ही मिलती है, क्योंकि इसका तरीका, इसको तरीका, क्योंकि लोगों को चीज जल्दी समझ में आती नहीं है, लोग इससे भगना चाहते हैं, लोग इससे भगना चाहते हैं, इस बात की मैं आपको आपको दिखाया भी, ये चीज मैं आपको दिखाया भी कि आप जब मैं आप एडजेक्टिव क्लॉज में शुरू किया था तो यहाँ पे लोग थे लगभग 60+, और जैसे मैं डिस्कस करना शुरू किया तुरंत लाइव आ गए कितना, 40। सब लोग बता दो, आई नो द हाउस विच ही गॉट बिल्ट लास्ट ईयर, तो आप बताओ विच मतलब वहां कौन के समय आया था, वह कौन से घर में रहता है, और यहाँ पर देखो क्या रहा है, आई नो द हाउस मैं उस घर में हुआ, आई नो द हाउस मैं उस घर को जानता हूं विच ही गॉट बिल्ट, जिसे उसने बनवाया, जा आया कि नहीं आया, जा आया कि नहीं आया, तो मैं किस घर को जानता हूं, जिसे उसने पिछली साल बनवाया, जिसे उसने पिछली साल बनवाया। अब हिज का मतलब क्या आया, जा आया, हु का मतलब अगर जो आ जाए, तो जा अगर आ जाए एडजेक्टिव क्लॉज, एक तरीका रामबाण तरीका, जिंदगी हमेशा खुश रहेगी, मस्त रहोगे, गलती नहीं होगी। ठीक है, तो मैं कौन सा जानता हूं, अब आर्टिकल वाला फेल हो जाता बताना आपको, आर्टिकल अगर कहीं फेल दिख जाए तो जा वाला निकाल लो, नहीं तो आर्टिकल वाला सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, आर्टिकल नहीं आएगा तो डिटरमिनर के रूप में भी आ जाए कोई, अब किसी का आंसर गलत ही नहीं आ रहा, सबसे खास बात तो ये, सबसे खास बात तो ये है कि किसी का आंसर गलत नहीं आ रहा है, और इस बात की मुझे बेहद खुशी है, इस बात को लेकर कि आपने चीजों को इतना बेहतरीन तरीके से समझा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपके पास है 67, ही गेव मी द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड, ही गेव मी द सेम बुक, उसने मुझे सेम किताब दिया और जो मैं चाहता था, क्या जो मैं चाहता था, का की जा, का की जा, क्या की जा, बताओ, अब बताओ, का और जा जब से आपके लाइफ में आया, अभी बताया जब से मैं इंट्रोड्यूस किया हूं, चीजें और आसान बनी कि नहीं बनी, चीजें आसान बनी कि नहीं बनी, बता दो मेरे भाई, बता दो मेरे भाई, बता दो मेरे भाई, एक भी आंसर गलत नहीं है, एक भी आंसर गलत नहीं है, जा जा जा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ही गेव मी द सेम बुक, उसने मुझे वही किताब दिया जिसे मैं चाहता था, जिसे मैं चाहता था। ठीक है, ओके, बहुत मस्त सर, चलो भाई
अगर आपने बोल दिया मस्त है तो मानना ही पड़ेगा मस्त है। आई नो दैट ही विल कम, मैं जानता हूं। अब पीछे दैट का मतलब जो आया था, याद है ना, पिछला जो एग्जाम्पल आया है उसने सेम बुक दिया जो जो मैं चाहता था। अब की बात देखो क्या है, आई नो मैं जानता हूं कि वह आएगा। देखो दैट वहां जो दिया, दैट यहां की दिया। आई नो मैं जानता हूं क्या कि वह आएगा, क्या आएगा, जा नहीं आया, जा नहीं आया तो क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज। क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा, जो कि नाउन क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, जिन बच्चों को पढ़ाने वाले आप जैसे सर हो कहे समझ में नहीं आएगा। अच्छा सर ये भी बात है, क्यों भाई ऐसी बात है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी। अच्छा जी आप बताओ, मैं जानता हूं कि वह आएगा, क्या जानता हूं, गई भैंस पानी में, ना ना जाड़ बाज, नहीं लेके जाना है, नहीं जाना है पानी में, नहीं लेके जाना है, नहीं लेके जाना है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई सभी को, बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मस्त। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो आप बता दो एक बार, आई नो द बॉय दैट लिव्स हियर, मैं उस लड़के को जानता हूं, अब दैट आया है, जो और जो आया तुरंत आंसर आएगा, जो आया तुरंत आंसर आएगा, बता दो क्या आंसर आएगा, जो आया तुरंत आंसर आएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं किस लड़के को जानता हूं, अरे भाई क्या लग रहा, देख के चंबा जी क्या लग रहा है, प्रॉम चंबा आप जो पूछ रहे हो क्या देख के लग रहा है, अरे भाई मैं अनमैरिड हूं, लेकिन पढ़िए आप लोग, मस्त क्वेश्चन है सर जी, बहुत सही भाई। तो मैं जानता हूं उस लड़के को जो वहां, जो वहां, अब जो आया तो सबको पता है क्या करते हो आप, जो को, आई एम हैप्पी दैट सी इज सक्सेसफुल, बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भाई, बता दो भाई जल्दी से 70 नंबर क्वेश्चन को, बताओ भाई, अच्छा डिसेंट बताओ भाई, अच्छा मन्नो योर स्माइल इज सो क्यूट, अच्छा जी चलो बताइए भाई क्या हो जाएगा, ये गलत कर गए ना सब लोग, मुझे पता था गलत कर जाओगे, मैं हैप्पी हूं, मैं खुश हूं, दैट सी सक्सेसफुल, मैं खुश क्यों हूं, मैं खुश क्यों हूं, आप लोग बताइए भाई, मैं खुश क्यों हूं कि वह क्या हो चुकी है, वह सक्सेसफुल हो गई है, वह सक्सेसफुल है इस वजह से मैं खुश हूं, ना क्या का रिप्लाई है, ना क्या का रिप्लाई है, ना किसे किसको जिसे जिसको इस सबका रिप्लाई है, तो किसका रिप्लाई है, आई एम हैप्पी मैं खुश हूं, तो ये क्लॉज आपका कौन सा क्लॉज है, मैं क्यों खुश हूं कि वह क्या है, सक्सेसफुल है। क्लियर हो गया मेरे भाई शबिका अब बताओ भाई एकदम क्लियर है, एकदम धमाकेदार तरीके से क्लियर है, चलो भाई अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के क्रम में क्वेश्चन ही खत्म हो गए। सर यू आर सो हैंडसम एंड क्यूट विथ हर्ट एंड फेस,
लवयू सर जी, अच्छा डिसेंट सैनी, प्यार भरा नमस्कार आपको फिर से मेरी तरफ से, और ढेर सारा प्यार और आभार आप सभी को। ठीक है भाई, अब आप लोग बता दीजिए, अब आप लोग बता दीजिए आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक, देख लेना आदित्य, फिर से देख लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बता दो भाई, अब आप बताओ, क्लॉज का जो डर था खत्म हुआ, क्लॉज का जो डर था खत्म हुआ, एक बार और जानदार शानदार, बताओ भाई जानदार शानदार। सर व्हेन आई सी योर फेस आई फील इंथुसियाज्म, अच्छा भाई, अच्छा जाडे भी बात है, और मैं भी, मुझे भी सुकून नहीं मिलता जब तक आप लोगों को पढ़ाने लेता हूँ, बसरते बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, आप लोग उल्टा सीधे जब बात करते हो नेगेटिव कमेंट जो आता है तो थोड़ा सा मुझे कष्ट हो जाता है। ठीक है, कष्ट हो जाता है कि चोट लगी बाद भी मैंने क्लास 2-3 दिन के लिए शायद बंद किया था, अब जाके 1-2 दिन से मैं सूज पहनने के काबिल बना, अभी समझ लीजिए आप। ठीक है भाई, गुरुजी प्रणाम। अच्छा गांधी जी, प्रणाम भाई प्रणाम। अच्छा सुनो, अब आप बता दो एक बार मैं फिर से आपसे रिव्यू लेना चाह रहा हूं। ठीक है, आप बताइए भाई, अब आपको और कहां पे डर है, और आपको डर कहां लग रहा है? राधे राधे भाई यार शुक्ला, राधे राधे। जो लोग सेशन को छोड़ दिए हैं, जो बीच से आए हैं, पूरा सेशन जरूर देखिएगा। वो कैब में मैंने आज क्वेश्चन की ज्यादा डिटेलिंग की चर्चा नहीं की है, जो ऑप्शन आपको सही लग रहे थे और जहां पे कुछ अच्छे वर्ड मिले जहां से पूछा जा सकता है, ठीक है, वहां से मैंने और चीजें बताया। ठीक है, तो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो वंशु आपका जो डिमांड था क्लॉज वाला एकदम क्लियर हो गया आई थिंक, मेरे जो लगता है। एक और मैं 20-25 सेंटेंस लेकर आऊंगा, वहां क्लॉज और मैं कर दूंगा। ठीक है, और शोनाइजेशन, और आप बताइए, पहले आप बता दो एक बार, सब कुछ होगा, एक बार बता दो क्या और आपको क्या चाहिए। सुपर मस्त नाइस क्लास सर जी, सर जी जय हो भाई, जय हिंद भाई, जय हिंद। आप लोग बता दो एक बार जो जरूरी है, पैसे रिलेटेड क्लास वो तो मैं दिमाग में रखा हूँ, उसके बारे आपको नहीं बताना है। सर इंग्लिश में क्या क्या आने के चांसेस हैं, करवा रहा हूँ उसको, करते जाइए। 12 घंटे की मैराथन है, वो समझ लो कि आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। एडमिट कार्ड भी आपका जल्दी ही आ जाएगा मेरे भाई। लास्ट के टाइम में आपको बस यही है कि आप लोग अपने हेल्थ पे ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सपोर्ट मेरा रहेगा, आपके पेपर तक रहेगा पूरा। ठीक है भाई, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन आपका मैं करवा दूंगा, और होमोफोन्स आपने बोला है, पैसे जो ज़्यादा लोगों का डिमांड है। ठीक है, मैराथन आपको 11 अक्टूबर को होगी मेरे भाई। हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। और आपको वो कैब में क्योंकि हाँ वो कैब में आप बताइए, वो कैब में स्पेशली कहाँ पे? 1 आवर सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेज में ढेर सारा मैं करवा दिया। वंशु अब मैं आपसे बताऊँ एक चीज़, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का मैं इतना वीडियो अपलोड किया हूँ, प्लेलिस्ट में जाना, जितना लेवल का क्वेश्चन चाहिए आपको, और इस तरह से एनालिसिस किया हूँ मैं एक एक सेंटेंस का, एक एक बेहतरीन तरीके से, वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी जिस प्रकार से मैं सेंटेंस को एनालिसिस किया हूँ, सेंटेंस का एक एक क्लॉज का, एक एक वर्ड का, एक एक आपके वर्ड के ग्रामेटिकल प्रोफाइल का, मेरा तरीका जानते हो, एक एक वर्ड को मैं, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, ये वर्ड एडवर्ब है, ये सब। ठीक है, ठीक है भाई, फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाग कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, एग्जाम के समय जो काम ना आए उसे स्टूडेंट का दिमाग कहते हैं। ये भी बात सही है भाई, लेकिन आपका दिमाग काम करेगा ये मुझे पता है आकाश, परेशान ना होइए। अरे हैप्पी बर्थडे, मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है भाई, मेरा बर्थडे नहीं है। तो ठीक है भाई, ठीक है, बता दो भाई,
फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फेलियर इज मच वर्स देन फेलियर इटसेल्फ। अब आप समझ लीजिएगा, आज मैं इंग्लिश में आपको बोला हूं, आपको समझने का काम है, आप समझ लीजिएगा भाई। फियर ऑफ फेलियर इज मच वर्स देन फेलियर इटसेल्फ, ठीक है, बहुत बेहतरीन लाइन में बोला हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। मैं आपको ये चीज मैं हिंदी में नहीं बोलूंगा, आपको समझना है। आग सीने में खाई है तो लोगों का इंतजार क्यों, तू अकेला ही काफिले के बराबर है, तू अकेला ही काफिले के बराबर है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो बस यही सब है, बिल्कुल पढ़ा दूंगा, क्यों आप परेशान हैं? ठीक है, बस आज के लिए हम लोग बता रखते हैं। मजा आया कि नहीं मजा आया, मजा आया कि नहीं मजा आया? जो लोग भाई लाइव हैं, जो इन्होंने वीडियो को भाई अगर लाइक नहीं किए हो, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप एक बार लाइक कर दीजिए मन करे तो, बाकी सेशन अगर आपको समझ में आ रहा हो। और मुझे तो लगता है कि जैसे क्लॉज जो आपका मुश्किल टॉपिक है, ठीक है, उसको मैं बहुत आसानी से और सिंपलेस्ट वे में आपको मैं डिस्कस करके दिखा दिया कि हाँ ऐसे तरीके से भी पढ़ा जाए तो भी आपको मजा आएगा। गुड नाइट भाई, सभी गुड नाइट। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिएगा। लव यू भाई, लव यू, सभी को लव यू है सबको, मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। आप लोग मेहनत करते रहो और लास्ट का टाइम है, कृपा करके आप थोड़ा सा आप हेल्थ पे ज़्यादा तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। सब लोग हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई लिखाई करते रहिए और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, घर परिवार के बारे में सोचिए, वहाँ से जो मोटिवेशन आपको मिलेगा, इससे बेहतर मोटिवेशन और कोई नहीं आ सकता है और कोई दे ही नहीं सकता। मैं कितना भी मोटिवेशनल शायरी क्यों ना बोल दूं, अगर आप अपने फैमिली के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचे तो कुछ भी, सब कुछ बेकार है। कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कितना भी मोटिवेशनल मैं शायरी बोल दूं, कुछ पढ़ ले आपका नहीं पड़ेगा, होगा 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, लेकिन जो लॉन्ग टाइम जो आपका मोटिवेशनल जो आपके जो थॉट्स आएंगे वो आपको कहां से मिलेंगे, वो आपको मोटिवेशन जो आपका सबसे लंबे टाइम तक रहेगा वो आप खुद पे जो डेवलप करोगे, जो आप अपने घर परिवार के बारे में सोचोगे। ठीक है भाई, तो बस आज के लिए हम लोग वसीता रखते हैं, आज के लिए हम लोग वसीता रखते हैं। सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद भाई। आपका दिन शुभ हो, आप लोग मेहनत करते रहे, सभी को सफलता मिलेगी, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आप लोग मेहनत करते होगे, एक दिन आप जरूर सफल होगे। ठीक है भाई, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच, कीप वर्किंग हार्ड।